क्या हो चुकी है टाइगर 3 की शूटिंग स्टार्ट? क्या है कैटरीना और सलमान का रिज्यूम? क्या होगी टाइगर 3 से एक्सपेक्टेशंस? किस मूवी की शूटिंग में बिजी है कैटरीना और कब होगी टाइगर 3 रिलीज? क्या कहा सलमान ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में? क्या लेंगे सलमान टाइगर 3 की शूटिंग से ब्रेक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकुरी और बॉलीग्राह स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस तीसरी फिल्म में हर बार की तरह जहां सलमान खान इंडियन रॉ एजेंट टाइगर के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, वहीं कैटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट जोया का रोल प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म से जुड़ी जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसके विलन की है। इस फिल्म के विलन के बारे में अब तक कुछ कहा नहीं गया है और सब यही जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार विलन का रोल कौन प्ले करने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं कि टाइगर 3 के मेन विलन का रोल और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, इमरान हाशमी का कैटरीना कैफ और सलमान खान के साथ पहला कोलैबोरेशन होने वाला है, साथ ही में यशराज फिल्म्स के साथ भी उनका ये पहला कोलैबोरेशन होगा। जहां अब तक इमरान हाशमी रोमांटिक रोल्स के लिए जाने जाते थे, अब वहीं उन्हें एक्शन मूवीज की तरफ रुख कर लिया है। हाल ही में उनकी आने वाली मूवी मुंबई सागा का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें कि वो एक कॉप के रोल में जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर को बेहद प्यार मिला और इमरान हाशमी के लुक और एक्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अब फैंस उन्हें टाइगर 3 में विलन के रोल में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि सलमान टाइगर 3 की शूटिंग से ब्रेक लेकर राधे के प्रमोशनल इवेंट्स में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि राधे इस साल की ईद पर रिलीज होने वाली है जिसकी चर्चा 2020 की स्टार्टिंग से ही चल रही है। टाइगर 3 की शूटिंग जोरों पर चल रही है, वहीं कैटरीना कैफ अपने बिजी शेड्यूल से टाइगर 3 की शूटिंग के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही है। क्या 3 साल बाद फिर वापसी करेगा टाइगर? क्या फिर सलमान खान का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा? सोशल मीडिया पर टाइगर 3 क्यों ट्रेंड कर रहा है और टाइगर 3 को कौन डायरेक्ट करने जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राह के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से फैंस का दिल बहलाते रहते हैं। सलमान खान की हर फिल्म मास एंटरटेनर होती है जो हर वर्ग के साथ कनेक्ट कर जाती है। इसी के चलते उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित करती है। एक था टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान की बड़ी फिल्मों में शुमार है। साल 2012 में शुरू हुआ सलमान खान का ये सफर 2017 में टाइगर जिंदा के साथ और बड़ा और बेहतर हो गया था। अब खबर आ रही है कि फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन ट्विटर पर टाइगर 3 ट्रेंड कर रहा है। फैंस को पूरी उम्मीद है कि 2022 में उन्हें सलमान खान से बड़ी ईदी मिलने जा रही है। फैंस अपनी इसी खुशी को ट्विटर पर साझा कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, सलमान खान ऐसी फिल्में डिजर्व करते हैं, सलमान खान टाइगर के रूप में जोरदार वापसी करेंगे। दूसरे यूजर ने लिखा, हमें किक 2 के बाद तुरंत टाइगर चाहिए। अब फैंस की ये एक्साइटमेंट हैरान नहीं करती है। एक था टाइगर न सिर्फ बॉलीवुड के लिहाज से बल्कि सलमान खान के लिए भी बड़ी फिल्म है। उनकी इस फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर तो कई रिकॉर्ड तोड़े ही है। इसके अलावा बतौर एक्टर उन्हें भी बेहतरीन मौका दिया। ऐसे में टाइगर 3 को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। इस फ्रेंचाइजी में सलमान के अलावा कैटरीना कैफ भी अहम किरदार निभाती नजर आई। फिल्म में सलमान संग कैटरीना की केमिस्ट्री 4 चांद लगाती है। केमिस्ट्री के अलावा इस फ्रेंचाइजी में कैटरीना ने भी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिए। ऐसे में इसके थर्ड पार्ट में क्या खास देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें होंगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को आलिया बाज जफर नहीं डायरेक्ट करेंगे और ना ही कबीर खान डायरेक्ट करेंगे, बल्कि इसको डायरेक्ट करेंगे प्रभु देवा, जिन्होंने भाईजान के साथ वांटेड और दबंग सीरीज की तीसरी इंस्टॉलमेंट साथ में की थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या कबीर खान की तरह प्रभु देवा भी टाइगर 3 में वो फ्लेवर डाल सकते हैं, या फिर अली अब्बास जफर वाला वो ट्रेंड जो फिल्म को भव्य बनाता है। अब तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी ये पता चलेगा कि प्रभु देवा टाइगर 3 में कौन सा फ्लेवर डालेंगे। लेकिन फैंस को काफी इंतजार है टाइगर 3 का। इस कोरोना के कहर से आप घर में बैठे हैं तो आप सलमान खान की कौन सी फिल्म देख रहे हैं? टाइगर 3 में किस प्रकार का एक्शन सीन रखा जा रहा है, टाइगर 3 की कहानी क्या होगी और सलमान खान ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?
नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सलमान खान, कैटरीना कैफ और अली अब्बास जफर एक बार फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। इस बार तीनों टाइगर जिंदा है के सीक्वल में नजर आएंगे। इससे पहले ये जोड़ी भारत फिल्म में नजर आ चुकी है जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रही है। अली अब्बास जफर ने टाइगर 3 की तैयारी भी शुरू कर दी है और वो इसकी शूटिंग जनवरी 2020 से शुरू करने वाले हैं। इन तीनों ने पहले टाइगर जिंदा है और भारत में साथ काम किया था, जहां 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने बॉक्स ऑफिस पर 186 करोड़ कमाए थे, तो वहीं 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ कमाए। और अब तो सलमान खान की भारत भी 300 करोड़ी फिल्म बन चुकी है, तो इसलिए मेकर्स अब इस जोड़ी के साथ हैट्रिक पूरी करने की तैयारी में हैं। और जहां फिल्म टाइगर 3 के एक्शन की बात है, तो इस बार इसके एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए हॉलीवुड से टीम बुलाई जाएगी और इस फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट की कहानी साउथ की किसी तेलुगु फिल्म पर बेस्ड होने वाली है, जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि फिल्म की कुछ कहानी रियल इंसिडेंट पर भी बेस्ड होगी। वेल, अभी से टाइगर 3 को 500 करोड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सलमान खान की फिल्में आराम से 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही जाती है। वेल, आपको बता दें कि सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है और इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस के लिए एक संदेश भी भेजा है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, अगर दिखाना है, बीट करना है, मारना है, तो मेहनत करके अपने काम का लेवल बढ़ाकर मारो। कठिन परिश्रम से अधिक अच्छा कुछ भी नहीं होता। वेल, दोस्तों, सलमान खान को बॉलीवुड के सबसे फिट कलाकारों में से एक माना जाता है। सलमान खान चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन वो जिम में पसीना बहाना बिल्कुल नहीं भूलते और जिसकी फोटोज भी वो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते ही रहते हैं। सलमान खान फिल्म टाइगर जिंदा है के सीक्वल की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं? टाइगर जिंदा है के सीक्वल में कैटरीना को लिया जाएगा या किसी न्यू कमर को लॉन्च करेंगे सलमान खान? टाइगर जिंदा है के सीक्वल का बजट 500 करोड़ क्यों रखा जा रहा है? सलमान खान को हर यूथ अपने अंदर कैसे समाये हुए है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 1991 में अपनी मौत से ठीक 10 दिन पहले क्वीन के लीड वोकलिस्ट और महान म्यूजिकल प्रोस्टिट्यूट फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपने मैनेजर से कहा था, मेरी इमेज के साथ तुम्हें जो मर्जी आए करो, मेरे संगीत को रिमिक्स करो, रिलीज करो, जो करना है करो, बस मुझे बोरिंग मत बनाना। दोस्तों, वहीं सलमान खान बोरिंग नहीं है और इसलिए इस कदर जीवित भी है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपकी बाजुएं फड़कने लगती हैं, आपने चाहकर भी चीख पड़ते हैं और ऐसा करवा पाना कोई मामूली काम नहीं है। ये पेटीएम का दौर है, वरना आज भी उनके शर्ट उतारने पर स्क्रीन पर खुले पैसे फेंके जाते। आप जिसे पल्ले से कूड़ा बांधना कह रहे हैं, असल में वो शाही टुकड़ा है, वो शाही टुकड़ा जो महापौष्टिक खाने के बाद अंत में आता है, कैलोरी से लबालब, लेकिन जिसके बिना डिनर किसी काम का नहीं रहता। आप उस आदमी के पीछे पड़े हैं जिसने समूचे देश की हेयर स्टाइल बदल के रख दी थी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। टाइगर जिंदा था, टाइगर जिंदा है और टाइगर जिंदा रहेगा। दोस्तों, टाइगर जिंदा फिल्म आई थी सलमान की नई फिल्म, उनकी पिछली फिल्मों से कुछ करोड़ और ज्यादा कमाने वाली फिल्म। जब फिल्म देखकर आई तो दुखी, फिल्म बुरी तो है ही, लेकिन दुख की वजह थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। मुझे ऐसा लगा ये फिल्म भारत के सिनेमा प्रेमियों का भयानक अपमान करती है, उन्हें मूर्खों का ऐसा समूह मानती है जिसके सामने जो परोसा जाए भखोस लेंगे। स्टार के नाम पर सिनेमा घर तक बुलाओ, फिर चाहे कूड़ा पल्ले बांधो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे शब्द बहुत तीखे लग रहे होंगे, नहीं? चलिए अब बात करते हैं। भारत में दो तरह के सिनेमा का हमेशा से चलन रहा है, एक वो जिसमें कुछ नामचीन कलाकार लिए जाएं और तमाम मसालों का छोक मारते हुए फुल फैनफेयर के साथ फिल्म रिलीज की जाए, दूसरी वो जहां स्टार की जगह एक्टर्स हों
और सीमित संसाधनों में कोई कहानी कहने का प्रयास हो। किसी जमाने में इन दो तरह की फिल्मों में स्पष्ट विभाजन था, एक कमर्शियल सिनेमा कहलाता था और दूसरा आर्ट सिनेमा। मल्टीप्लेक्स के जमाने ने इनके बीच की रेखा को थोड़ा कमजोर कर दिया। नए नए लोग स्थापित कलाकारों के साथ आर्टनुमा फिल्में बनाने लगे और उन्हें पसंद करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या पाई जाने लगी। इस हौसला अफजा सूरत हाल में भी, जब सलमान खान के कद का एक्टर लगातार कचरा डिलीवर करता है तो बहुत दुख होता है। टाइगर जिंदा है, फिल्म से एक दर्शक को कुछ हासिल नहीं होता, अपने साथ वो घर कुछ नहीं ले जा सकता। हाँ, मुझे पता है ये दलील आएगी कि सिनेमा अमूमन मनोरंजन के लिए होता है, पर यकीन जानिए बुरी तरह बनाई गई इस फिल्म से वो भी पल्ले नहीं पड़ता। लॉजिक ढूंढना तो पाप है, कुछ एक लूप होल तो मैं बिना याददाश्त पर जोर दिए बता सकती हूँ। चलिए अब गिनना शुरू कीजिए। सबसे पहला, भेड़िया से घिरा हुआ वो छोटा बच्चा इतना सामान्य है जैसे पालतू बिल्ली से खेल रहा हो, भला मुमकिन है? चलिए दूसरा, 40 नर्से बंधक है, रो के अधिकारी मिनिस्ट्री में सिर्फ 25 बताते हैं क्योंकि 15 तो पाकिस्तानी थी। जैसे नर्सों के बंधक बना लिए जाने की खबर किसी और को होगी ही नहीं। भाई बड़ी वारदात है, न्यूज वाले दिखाएंगे, पाकिस्तानी भी तो अपने लोगों की सुध लेगा कि नहीं, ये बात कोई छुपने वाली है? चलिए तीसरा, CIA का कोई अधिकारी रो के शिनोय साहब को नर्सों को बचाने के लिए 7 दिन की मोहलत देता है और बिना किसी से मशवरा किए। अब CIA न हुई, मोहल्ला सुधार कमेटी हुई जहां अध्यक्ष का वचन ही शासन है। चलिए फोर्थ पॉइंट ले लीजिए, टाइगर और उसकी टीम इराक की रिफाइनरी में बिना किसी वेरिफिकेशन के आसानी से नौकरी पा जाती है, जैसे सदाम से सिफारिशी लेटर लिखवा के लाए हो। वाह भाईजान वाह। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट ले लीजिए, आल्प्स की पहाड़ियों में जोया को पीछे छोड़ आए टाइगर की मदद को जोया एन उस वक्त इराक में टपक पड़ती है जब वो जान से जाने वाला होता है। क्यों, कैसे, हाउ, पूछना मना है? सिक्स पॉइंट, टाइगर को मारने के लिए कमरे में जहरीली गैस छोड़ी गई है, भाई की जान नाक पर मफलर बांधने भर से बच जाती है। दोस्तों अगर गौर किया जाए तो गैस में जहरीला क्या हुआ फिर, या फॉग या डियो छिड़का था? सेवन पॉइंट, नर्स के शरीर से बंधे बम को डिफ्यूज करने के लिए कौन सी वायर काटनी है, ये हमारे एक्सपर्ट साहब नर्स से ही पूछते हैं, जो वो कहती है उसे काट भी देते हैं। जीजस, ये न भूल जाएं कि इन साहब को टाइगर ने खास चुना था और उनकी कार्य कुशलता के गीत गाए थे। एट पॉइंट, बम डिफ्यूज फिर भी नहीं होता तो क्या उपाय है फिर? सिंपल, जैकेट ही निकाल दो, दो जगह से काटा और जैकेट अलग। अजीब घामड़ आदमी था जिसने इस तरह का बम नर्स पे चिपकाया था, जब इतनी आसानी से ही बम शरीर से अलग होना था तो इतनी कंपकपी काहे छूट रही थी, बोलो। खैर, 9 पॉइंट, भारत का एक अंडरकवर एजेंट अमेरिकी सेना के पास जाता है और उनसे कहता है, भाई इतने बजे इस जगह पर हमला बोल दियो, हमें ध्यान भटकाना है, वो भी ऐसे आज्ञाकारी कि जी भाईजान कह के मान लेते हैं, भाप का राज है क्या? खैर, 10th पॉइंट, पाकिस्तान की एक जासूस अमेरिकी सेना की टीम को ऑर्डर देती रहती है कि ये करो ये ना करो वगैरह वगैरह। दोस्तों जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान अमेरिका वाले इक्वेशन में हुक्म देने वाले एंड पर हमेशा अंकल सैम के मुल्क वाले ही रहते आए हैं। 3 दिन की छुट्टी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल तो नहीं न गई होगी? सॉरी, मैं न्यूज नहीं देख पाई 3 दिन से। खैर, 11th पॉइंट, 300 के करीब गार्ड्स को एक्शन से बाहर करने का क्या तरीका है? सिंपल, पहले कुछ दवाई बनाओ, फिर उसे उनके खाने में मिलाओ, फिर सबके एक साथ खाने का इंतजार करो, उधर फूड पॉइजनिंग की दवा की 150 शीशियों में सिडेटिव भर दो, साले जब खाना खाके बीमार होके इंजेक्शन लगवाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। और यूनेस्को ने इस प्लान को बेस्ट प्लान घोषित कर दिया है। 12th पॉइंट, क्लाइमेक्स तो कहर है कहर, खूंखार आतंकी संगठन का दुर्दांत आतंकवादी मुखिया टाइगर के सामने अकेले पेश हो जाता है बिना किसी अमल के, ताकि उस मरगिल्ले को हट्टा कट्टा भाई पटक के मार सके। जाओ यार, इतने बड़े आतंकी संगठन की नाक कटा दी। और उस पर कहर ये कि ये आतंक वाले भैया भाई को मारने 3 इंच का चाकू लेके आए हैं। बताओ दोस्तों, इतने तो एक सांस में याद आ गए, दिमाग पर जोर दूं तो और निकल आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब इतनी वाहियात चीजें मिलती हैं तो मन वितृष्णा से भर जाता है।
सलमान इस मामले में बेशर्मी की हद तक ढीठ हो गए हैं। उनके नाम पर फिल्में चलती हैं, इसे वो जिम्मेदारी की तरह नहीं लेते नजर आते। दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेते रहना उन्हें बिजनेस तो शायद भरपूर दे, लेकिन सिनेमा का इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। टाइगर जिंदा है पर पैसों की बम्पर बारिश हो रही है। ये बरसात इस बात को मोहर बंद करती नजर आती है कि आगे भी फिल्म के नाम पर हमें यही ढर्रा कबूलना पड़ेगा। एक तरफ रीजनल सिनेमा बेशुमार मेहनत करके अच्छी कहानियां अभिनव प्रयोग हम तक पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े बरगद हमें लगातार एक ही झूला झुलाए दे रहे हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि सलमान खान को 8 फिल्में करनी चाहिए, बस इतनी सी उम्मीद है कि वो कम से कम तर्क की हत्या तो ना होने दें। आमिर की दंगल भी कमर्शियल फिल्म थी और शाहरुख की चक दे इंडिया भी। ये फिल्में क्लासेस और मासेस दोनों द्वारा बहुत पसंद की गई। सलमान भी चाहे तो ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। आज सूरज चढ़ा हुआ है, लेकिन जब करियर का प्राइम खत्म होगा तब आमिर तो दंगल, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर गिनवा देंगे। शाहरुख के पास भी स्वदेश, पहेली, चक दे इंडिया, सलमान के पास क्या है? शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल जब नापसंद की जा रही थी, तो बावजूद शाहरुख का फैन होने के मैं खुश हुई थी। वो इसलिए क्योंकि ये एक सबक होता उनके लिए। दर्शकों को, फैंस को मिट्टी का माधो समझ लेना उन्हें बंद करना होगा। सलमान के केस में ये दिख नहीं रहा, तभी टाइगर जिंदा है जैसी औसत से कई पायदान नीचे की फिल्म कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। पता नहीं इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। सलमान जैसे एक्टर को जो अपने विशाल फैन बेस का नाजायज फायदा उठाते हैं, या उन दर्शकों को जो अंधभक्त की कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं, जो अपने फेवरेट एक्टर के नाम पर सिनेमा का मर्डर भी नजरअंदाज करने को तैयार बैठे हैं, जो नहीं समझते कि उनकी ये अंधभक्ति भारतीय सिनेमा का कितना बड़ा नुकसान करती है। टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों की सफलता ही राहुल ढोलकिया जैसे डायरेक्टर से परजानिया जैसी कलाकृति के बाद रहीस बनवाती है। जब तक बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर स्टार के कदमों में लौटने को तैयार अंधभक्त उमड़ते रहेंगे, टाइगर का वजूद बना रहेगा। टाइगर जिंदा था, टाइगर जिंदा है और टाइगर जिंदा रहेगा। टाइगर जिंदा है सीक्वल फिल्म की कहानी क्या होगी? एक था टाइगर फिल्म किसके लिए लिखी गई थी? टाइगर जिंदा है सीक्वल का बजट क्या होगा? क्या सच में सलमान खान के लिए कैटरीना कैफ लकी चार्म है? सलमान खान की वो फिल्में कौन सी हैं जो इतिहास में दर्ज हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड सवाल है या वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तो आज हम बात करेंगे टाइगर जिंदा है सीक्वल के बारे में। बॉलीवुड की हिट जोड़ी सलमान खान और कैटरीना कैफ, ये जोड़ी काफी हिट है। अभी हाल ही में सऊदी फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, जहां सलमान खान ने अपनी आने वाली मास्टर ब्लास्टर और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने कई फिल्मों के नाम लिए, साथ में ये भी कहा कि वो कैटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है सीक्वल को करने जा रहे हैं। जब तक फिल्म का नाम सामने नहीं आया तब तक हम इसे टाइगर 3 कहते हैं। तो टाइगर 3 एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म एक था टाइगर की तीसरी इंस्टॉलमेंट है और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने। उसके बाद टाइगर जिंदा है आई, जिसे डायरेक्ट किया अलिया अब्बास जफर ने, और टाइगर 3 जिसे डायरेक्ट करेंगे अलिया अब्बास जफर। फिल्म में लीड में है सलमान खान और कैटरीना कैफ। इसके अलावा परेश रावल और विकी कौशल भी नजर आ सकते हैं। अली के साथ सलमान खान की ये एक हिसाब से 5वीं फिल्म है। 3 तो आप लोग जानते ही होंगे, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत। इसके अलावा टाइगर 3 और वेटरन। अली अब्बास जफर को बचपन से ही मन था फिल्मों में आने का, इसीलिए वो खूब फिल्में देखते थे बचपन में। जैसे तैसे करके पढ़ाई कंप्लीट की और काम के चक्कर में मुंबई आ गए। पहले तो असिस्टेंट बने और बाद में अपना जलवा दिखाया फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन, सुल्तान और टाइगर जिंदा है से। सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर अब तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी है। इन दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे कि मैंने प्यार किया, पार्टनर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। ये बात सभी जानते हैं कि टाइगर 3 एक था टाइगर की तीसरी इंस्टॉलमेंट है, जो कि 2012 में आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म किसके लिए लिखी गई थी? ये फिल्म लिखी गई थी राहुल के लिए, किरण बोल के जो फेमस हुआ था लड़का, यानी कि रोमांस ऑफ किंग बादशाह शाहरुख खान के लिए। शाहरुख खान कहीं किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब ये फिल्म बंद होने वाली थी, लेकिन कैटरीना कैफ ने कबीर खान को सलमान खान का नाम सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सलमान खान भी कर सकते हैं। फिर क्या था,
अब फिल्म को बंद करने से अच्छा है कि किसी को कास्ट कर लो तो सलमान खान को लेना बेहतर समझा। फिल्म को पूरी तरह मोल्ड किया गया सलमान खान के हिसाब से लिखा गया। जैसे कुछ सीन आपको बता दूं कि सलमान खान एक सीन में दूध लेते हैं और कॉलोनी की सारी औरतें बातें कर रही होती हैं। वो सलमान खान के लिए स्पेशली ऐड किया गया था। एक ट्रेन वाला सीन जहां सलमान खान अपनी जैकेट की मदद से ट्रेन रोकते हैं, और एरोप्लेन वाला सीन तो कोई भूल ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से सीन हैं। यहां तक कि एक्शन डायरेक्टर कॉनराड पाल्मेसियानो को बुलाया गया, क्योंकि बॉलीवुड में हर कोई जानता है कि सलमान खान अच्छे स्टंट कर सकते हैं अगर कोई डायरेक्टर अच्छा है तो। कॉनराड ये अमेरिकन के एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने द गार्डियंस, ट्रांसफॉर्मर जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया। एक था टाइगर के अलावा धूम 3 को भी डायरेक्ट किया था। 2012 के बाद इस फिल्म का सीक्वल आया 2017 में, टाइगर जिंदा है, माइंड ब्लोइंग फिल्म। फिल्म को सभी ने पसंद किया। ये फिल्म फिजी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई थी, और बाहुबली के बाद 10 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये दूसरी फिल्म बन गई थी। लगभग 423 करोड़ का फिल्म ने कलेक्शन किया था सिर्फ 10 दिन में। फिल्म सुपरहिट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की वो कौन सी फिल्में हैं जो इतिहास में दर्ज है? तो जान लेते हैं कुछ फिल्मों के नाम। तो पहला नाम जो सामने आया था वो था हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से। तेरे नाम, इस फिल्म से सलमान खान ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक था टाइगर, सलमान खान और कैटरीना कैफ का रोमांस इसमें देखने को मिला था। दबंग, सलमान एक पुलिस अफसर के रोल में दिखे थे। वॉन्टेड, ये वो फिल्म थी जिसने सलमान खान का गिरता हुआ करियर संभाला था। आज भी सलमान प्रभुदेवा को धन्यवाद करते नहीं थकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान कैटरीना कैफ को अपना लकी चार्म मानते हैं। उनका मानना है कि जिस फिल्म में वो और कैट एक साथ आते हैं फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल जाती है, साथ ही साथ बिना किसी प्रॉब्लम के फिल्म शूट भी हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो सलमान खान की राशि कुंभ है, यानी कि एक्वेरियस। कहा जाता है कि ये बहुत लकी लोग होते हैं, जिस भी काम में हाथ लगाते हैं सफलता ही पाते हैं। इस राशि वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और साथ ही साथ व्यवहार कुशल होते हैं। इस राशि के लोग जल्द ही हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें साहित्य, कला, संगीत और दान करना बेहद पसंद है। इस राशि के लोग साहित्य प्रेम भी उच्च कोटि के होते हैं, यानी कि हायर लेवल के होते हैं। और सलमान खान पेंटर हैं, ये बात सभी जानते हैं। साथ ही साथ वो आर्टिस्ट, सिंगर, कौन नहीं जानता। इन लोगों के बारे में एक और बात जो खास है, कहा जाता है कि इनका व्यवहार सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये सारे गुण हमारे सलमान खान में हैं, तभी तो हमारे सलमान खान आज सलमान खान सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के। टाइगर 3 की कहानी की हम बात कर लेते हैं। तो टाइगर जिंदा है जहां तक खबर आई थी कि टेक ऑफ की रिमेक थी। जब फिल्म बनी थी तो काफी हंगामा हुआ। वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए अली अब्बास जफर ने इस फिल्म को खुद लिखने का जिम्मा उठाया है। कहा जा रहा है कि इसमें उनका साथ निभाएंगे नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा, आपने इनको रेडियो एफएम पे सुना होगा, जो अक्सर अपनी लिखी हुई कहानियां सुनाया करते हैं। तो बता दें कि टाइगर जिंदा है कि आखिरी हिस्से में जोया यानी कि कैटरीना कैफ की मौत दिखाई गई थी। सभी लोग जोया को मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि असल में सलमान खान यानी कि टाइगर जोया को बचा लेते हैं और उसे छुपा कर रखते हैं। फिल्म की कहानी को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा, जहां सलमान खान एक बार फिर किसी मिशन पे निकलेंगे। जहां पिछली बार विलेन के रोल में सेजार डेला फ्रूज, जो कि सऊदी के थे, वहीं इस बार हॉलीवुड के एक्टर का नाम सामने आ रहा है विलन के तौर पे। इस फिल्म में एक और नया कैरेक्टर लॉन्च होगा, जो कि होगा सलमान खान और कैटरीना कैफ का बेटा। लेकिन फिल्म में वो मर भी जाएगा। फिल्म की शूटिंग 70% आउट ऑफ इंडिया होगी, जैसे कि क्यूबा, थाईलैंड और भी ना जाने कौन कौन सी जगहों में। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो ये फिल्म 2021 में शुरू होगी, जिसे दिसंबर के महीने तक रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं अगर फाइनली हम बजट्स की बात करें तो, जो कि टाइगर जिंदा का बजट लगभग 200 करोड़ था, तो इस सीरीज में जहां हमें हाई ऑक्टेन स्टंट्स देखने को मिलते हैं, हमें हॉलीवुड की टीम देखने को मिलती है, तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ हो सकता है और ये फिल्म आराम से 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में सलमान खान के लकी है कैटरीना कैफ, और क्या ये फिल्म 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है या नहीं? कमेंट करके बताएं, और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन।
ऐसा कौन सा एक्टर है जो आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान इन तीनों सुपरस्टार को बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही कर देता है। टाइगर जिंदा है के सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है? 400 करोड़ी इस फिल्म में सलमान के अपोजिट किस बड़े सुपरस्टार को निगेटिव रोल के लिए साइन किया जा रहा है? वो कौन सा सुपरस्टार है जिनकी फिल्में सबसे ज्यादा 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, टाइगर जिंदा है के बाद फैंस को इसके सीक्वल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के क्लाइमैक्स से ही क्लियर हो गया था कि इसका सीक्वल बनेगा। हालांकि इसे लेकर फिल्म मेकर्स ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन जब सीक्वल को लेकर सलमान से हाल ही में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म का सीक्वल बन रहा है। उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने मजाक के अंदाज में फिल्म का नाम भी बता दिया और कहा कि सीक्वल का नाम जोया जिंदा है होगा। अब चाहे सलमान इसे मजाक कहें, लेकिन लग रहा है कि बातों बातों में ही उन्होंने सीक्वल के पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी और क्या नया होगा। बता दे कि टाइगर जिंदा है के आखिरी हिस्से में जोया यानी कि कैटरीना कैफ की मौत दिखाई गई थी। सभी लोग जोया को मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि असल में सलमान का किरदार जोया को बचा लेता है और उसे छिपा कर रखता है, और यहीं से सीक्वल की कहानी आगे बढ़ेगी। बॉलीवुड के खान सलमान खान के साथ हर एक्ट्रेस स्क्रीन शेयर करना चाहती है ताकि उन्हें उतनी पब्लिसिटी मिले जितनी भाईजान को मिलती है। फिलहाल सलमान खान भारत की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनकी एक और फिल्म की खबर आ रही है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइगर जिंदा है के सीक्वल की, जिसकी खबरें उड़ती हुई आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में नई एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या कैटरीना फिल्म से आउट है? जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान और दीपिका पादुकोण ने कभी भी हाथ मिलाने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अब ऐसी बातें आ रही हैं जिससे बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण भाईजान की टाइगर जिंदा है के सीक्वल का हिस्सा हो सकती हैं। जी हाँ, ये सभी फैंस के लिए खुशी की बात होगी जो पहली बार दोनों को साथ देख पाएंगे। बॉलीवुड में ये बात बहुत जोरों पर है कि दीपिका पादुकोण आखिरकार भाईजान के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं और टाइगर जिंदा है के सीक्वल में दिखाई देंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि टाइगर जिंदा है के सीक्वल में दीपिका पादुकोण का केवल कैमियो ही होगा। यानी अगर आप सोच रहे थे कि कैटरीना नहीं होंगी इसमें, तो आप गलत हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण का केवल कैमियो ही होगा, जबकि टाइगर जिंदा है के सीक्वल की असली हीरोइन कैटरीना कैफ ही रहेंगी। दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, सलमान ने 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसी से बतौर सपोर्टिंग एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था, और कोई शक नहीं कि 30 सालों में सलमान खान ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर बना सके। सलमान सही मायने में बॉक्स ऑफिस किंग है। दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शामिल है जो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की गारंटी है। अपनी हर फिल्म के साथ सलमान बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम करते हैं। दोस्तों, सलमान ने बैक टू बैक अपनी फिल्मों की शानदार कमाई से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी दबंग है। पिछले 8 सालों में सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाकेदार जलवा दिखाया है, वो फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा। सुपरस्टार के पास फिल्मों की लाइन लगी है। देखा जाए तो साल 2020 तक सलमान खान बैक टू बैक कई बड़ी फिल्मों में दिखने वाले हैं। दोस्तों, वही 300 करोड़ क्लब में सलमान खान की 3 फिल्में शामिल हैं, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। यानी कि सिर्फ इन्हीं फिल्मों ने मिलकर 900 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। दोस्तों, वही सलमान खान ऐसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार बन गए हैं जिनकी 14 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल है, वो भी बैक टू बैक। दोस्तों, वहीं 200 करोड़ क्लब में सलमान की 5 फिल्में एंट्री ले चुकी हैं, जिनमें बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर के अलावा किक और प्रेम रतन धन पायो शामिल हैं। दोस्तों, वहीं 80 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं सलमान। जी हाँ, 1988 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सलमान खान अब तक 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से उनकी 6 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं। दोस्तों, वहीं सलमान पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी 14 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा और 3 फिल्मों ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। दोस्तों, वहीं सलमान की अपने करियर में अब तक 30 फिल्में फ्लॉप रही हैं,
जबकि 3 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं। जाहिर है फैंस उन फिल्मों को याद नहीं करना चाहेंगे। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सलमान की टक्कर में कोई नहीं है। फिलहाल कुछ सालों तक सलमान खान को पीछे करने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है, ना ही आमिर खान, ना ही शाहरुख खान और ना ही अक्षय कुमार। दोस्तों, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान और कैटरीना कैफ ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है में सबसे खास बात थी फिल्म की बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट, जो सलमान खान और कैटरीना कैफ को मौका ही नहीं देती कि फिल्म बिगड़ जाए, लेकिन फिल्म बिगड़ती है लचर पटखता से। दोस्तों, अली अब्बास जफर ने 2016 में बॉलीवुड को सुल्तान जैसी बेहतरीन फिल्म दी है, लेकिन टाइगर जिंदा है के साथ उन्होंने संभव तौर पर एक लंबी छलांग लगाई थी। फिल्म की पटकथा को उन्होंने पूरे 3 घंटों तक बांध कर रखा था। फिल्म में एक्शन, इमोशन, देशभक्ति, दोस्ती, रोमांस, सभी मसाले सही अंदाज में पेश किए गए थे। साथ ही उन्होंने सलमान खान फैंस का भी ध्यान रखा था और फिल्म में सलमान खान को बॉडी दिखाने के लिए कई मौके दिए गए। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो काफी तेजी से भागता दिखा, वहीं सेकेंड हाफ में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। कुछ एक एक्शन सीन्स लंबे खींचे गए हैं, जिस वजह से फिल्म की लंबाई भी ज्यादा हो गई थी। फिल्म के कुछ शुरुआती संवाद याद रखने लायक थे, जैसे कि शिकार तो सभी करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। वहीं समय समय पर उन्होंने हामुर का हल्का सा डोज भी दिया है। अच्छी बात है कि अली अब्बास जफर ने कहीं भी कहानी के मुख्य मुद्दे के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। फिल्म के लोकेशंस भी काफी शानदार रहे थे। कहना सही होगा कि अली अब्बास जफर ने फिल्म के हर फ्रेम को विशाल दिखाया था। दोस्तों, आप फिल्म देख कर ही कह सकते हैं कि ये एक बिग बजट फिल्म थी। दोस्तों, वहीं टाइगर के किरदार में सलमान खान जबरदस्त दिखाई दिए। बड़े पर्दे पर उनकी मेहनत साफ झलकती दिखाई दी थी। अली अब्बास जफर ने हर फ्रेम में पूरी शिद्दत के साथ सलमान खान का इस्तेमाल किया था। एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स करते सलमान को देखकर थिएटर में फैंस तालियों और सीटियों की बौछार करने लगे। वहीं जोया के किरदार में कैटरीना सरप्राइज पैकेज थी। और दोस्तों, कैटरीना ने भी फिल्म में बेहतरीन एक्शन सीन्स किए हैं, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है। दोस्तों, वहीं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। अली अब्बास जफर ने फिल्म के लोकेशंस को काफी देख परख कर चुना था, जो कि पर्दे पर कमाल दिखाई दिए। दोस्तों, वहीं स्क्रीन प्ले काफी कसी हुई है और आपको हर किरदार से जुटने का मौका भी देती है। दोस्तों, वहीं इस फिल्म को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। दिल दिया गल्ला और स्वैग से स्वागत गाना फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों के जुबा पर चढ़ चुका था, लिहाजा फिल्म में भी आपने इन गानों को काफी एंजॉय किया। दोस्तों, बात करें फिल्म की कहानी की तो ISIL ने द क्रीक में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्सों को अस्पताल में कैद कर रखा था। अमेरिका ने 7 दिनों की मोहलत दी होती है, जिसके बाद वो तिक्रीत में एयर स्ट्राइक करने वाले होते हैं। भारत के पास अपनी नर्सों को बचाने के लिए सिर्फ 7 दिनों का समय है। ऐसे में यदि कोई है जो ये असंभव मिशन को संभव कर सकता है, तो वो होते हैं हमारे टाइगर। जी हाँ, इसी के साथ एंट्री होती है टाइगर अका अविनाश राठौर यानी सलमान खान की, जो अपनी पत्नी जोया यानी की कैटरीना कैफ और एक बच्चे के साथ ऑस्ट्रिया की वादियों में रहते हैं। मिशन की शुरुआत होती है जब टाइगर भारत की तरफ से और जोया पाकिस्तान की तरफ से इराक में आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। मुख्य आतंकी और ISIL के चीफ अबू उस्मान तक पहुंचने का सफर काफी खतरनाक और पेचीदा होता है। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है फिरदौस से, जो बगदादी की तेल रिफाइनरी में काम करता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में इस किरदार में जो बदलाव आता है, वो कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म में समय समय पर इंसानियत की कहानी गढ़ी गई है। वो भारत पाकिस्तान के एजेंट का साथ काम करना हो या मानव बम बने आतंकवादी बच्चे के लिए टाइगर के दिल में प्यार और दया की भावना आना। बहरहाल, फिल्म के सेकेंड हाफ में मुख्य विलन अबू उस्मान के साथ सलमान कैटरीना की टकराव दिखाई गई है। दोस्तों, वहीं टाइगर जिंदा है ने भारत में एक नया गैर छुट्टी का रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उसने एक दिन में 34 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन में फिल्म ने 35 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया और फिल्म ने अपने तीसरे दिन में 45 करोड़ 53 लाख के नेट ग्रॉस के साथ और हिंदी फिल्म उद्योग के लिए सबसे अधिक समय का दूसरा सबसे उच्चम दिन दर्ज किया। दोस्तों, टाइगर जिंदा है क्योंकि ये 2 दिनों में $2 मिलियन कमाती है। दोस्तों, US कनाडा में फिल्म ने एक दिन में $4,50,000 का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने विदेशों में अपने शुरुआती सप्ताह में $7 मिलियन कमाए, जिसमें अमेरिका कनाडा में $25,35,825 शामिल थे। दोस्तों, वहीं इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में दुनिया
दुनिया भर में 190 करोड़ रुपए कमाए। 25 दिसंबर 2017 तक इस फिल्म ने दुनिया भर में 256 करोड़ की कमाई की, जिसमें भारत में 197 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया और 58 करोड़ 3 लाख का विदेश में। दोस्तों, वहीं टाइगर जिंदा है में सलमान के कुछ दमदार डायलॉग्स थे। दोस्तों, पहला डायलॉग था, शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। दोस्तों, वहीं बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर। दूसरा डायलॉग था, शेर अभी सो रहा है, बेकार में पूछ मत खींचो, खा जाएगा। दोस्तों, तीसरा डायलॉग था, अगर तुझ में दम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इसके सीक्वल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है टाइगर जिंदा है कि सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जाना चाहिए। अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टोरियोज के साथ। टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का टीजर, कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सलमान खान अली अब्बास जफर की हिट जोड़ी की फेमस फ्रेंचाइजी टाइगर की सेकंड फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2012 में आई एक था टाइगर का सीक्वल थी और फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की हिट जोड़ी ने साथ काम किया था। फिल्म को 210 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था और कमाई की थी 565.1 करोड़ रुपीस की। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर के सुपरहिट जोड़ी ने और लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल ने। फिल्म का गाना स्वैग से स्वागत, जिसे विशाल डडलानी और नेहा भासिन ने गाया था, YouTube पर बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा गाना बना और बॉलीवुड के सभी गानों में सबसे तेजी से 100 मिलियन व्यूज अपनी झोली में भरे। फिल्म का गाना दिल दिया गल्ला, जिसको गाया था आतिफ असलम ने, इस गाने को भी काफी पसंद किया गया और ये गाना अब तक रोमांटिक सॉन्ग्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। फिल्म की पूरी एल्बम को 1.5 बिलियन व्यूज मिले हैं और YouTube पर इसी के साथ ये बन चुकी है सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एल्बम। टाइगर जिंदा है को एक्शन, कोरियोग्राफी और साउंड डिजाइन के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। भारत की शूटिंग के दौरान ही अली अब्बास जफर ने इस सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था। अली अब्बास जफर और सलमान खान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने इस साल ईद पर रिलीज हुई अपनी फिल्म भारत से नए झंडे गाड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इसी के बाद ही अली अब्बास जफर लग चुके हैं टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट पर काम करने। हालांकि अभी सलमान खान अपनी बाकी फिल्मों में व्यस्त हैं, फिलहाल वो शूटिंग कर रहे हैं अपने भाई अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की, जो कि रिलीज होगी दिसंबर में। उसके बाद वो काम पर लगने वाले हैं भाई सुहेल खान की फिल्म शेर खान की शूटिंग में और किक 2 की शूटिंग में, जिसके बाद वो सीधा शुरू करने वाले हैं टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का काम। फिल्म का पहला पोस्टर 2020 सितंबर में रिलीज किया जाएगा और टीजर आएगा दिसंबर 2020 में। इस फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं 2021 एंड में है। बाकी फिल्म से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। बॉलीवुड की हिस्ट्री में टाइगर जिंदा है ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है जिसे अभी तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई।
एक था टाइगर की तीसरी कड़ी की कहानी क्या होगी। एक था टाइगर के तीसरे सीक्वल का बजट अभी तक की एक्शन फिल्मों से कितने करोड़ अधिक है। इस फिल्म को बॉलीवुड हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म क्यों माना जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से सभी के दिलों को जीतने वाले बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान एक बार फिर से अपने फैंस और टाइगर सीरीज के दर्शकों को चौंकाने वाले हैं। जल्दी ही टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म की घोषणा की जा सकती है। खबरों के अनुसार टाइगर सीरीज की दोनों फिल्मों को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद मेकर्स ने इसका तीसरा सीक्वल बनाने का फैसला किया है। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने जैसे ही सलमान के सामने टाइगर सीरीज का तीसरा सीक्वल बनाने की बात कही वैसे ही सलमान ने उसके लिए हाँ भर दी है। वहीं अभी टाइगर के मेकर्स ने आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीसरे सीक्वल को लेकर अली अब्बास जफर की पूरी टीम इसकी तैयारी में जुट जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के अंत तक फिल्म की कहानी को तैयार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टाइगर सीरीज की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में आई थी। इसके बाद पिछले साल टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। दर्शकों को सलमान और कैटरीना कैफ की ये फिल्म काफी पसंद आई। दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। रेस 3 के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद सलमान खान ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी एक था टाइगर सीरीज की तीसरी कड़ी बनाने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने फिल्म बनाने के लिए हामी भर दी है। बता दें टाइगर जिंदा है की दो सीरीज सफल रही है, ऐसे में इसकी तीसरी कड़ी का फैंस को भी इंतजार है। टाइगर की नई कड़ी की कहानी क्या होगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर सलमान खान इस जासूसी ड्रामा फिल्म में टाइगर का किरदार निभाएंगे। सलमान इन दिनों भारत फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद दबंग 3 की शूटिंग की तैयारी में हैं। इन दोनों फिल्मों के शेड्यूल पूरे होने के बाद सलमान टाइगर की नई कड़ी में जुड़ेंगे। बता दें कि पिछली दोनों ही फिल्मों में सलमान के साथ कैटरीना कैफ ही लीड एक्ट्रेस थी और इन दोनों की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया था। ऐसे में संभव है कि इस सीरीज की तीसरी फिल्म में भी ये दोनों स्टार्स एक साथ पर्दे पर दिख सकते हैं। कैटरीना सलमान की जोड़ी इंडस्ट्री में हिट है, यही वजह है कि टाइगर जिंदा है के गाने स्वैग से स्वागत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है का सॉन्ग स्वैग से स्वागत बहुत ही पॉपुलर हुआ। स्वैग से स्वागत बॉलीवुड की हिस्ट्री में यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज मिलने वाला पहला सॉन्ग बन गया है। बता दें कि आज तक किसी भी इंडियन सॉन्ग को YouTube पर 500 मिलियन व्यूज नहीं मिले हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। सलमान खान के फैंस के अंदर उनकी दीवानगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ईद पर इसी साल रिलीज हुई सलमान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, मगर टाइगर जिंदा है ने इसकी भरपाई कर दी है। पहला रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है ने पहले ही दिन 33.75 करोड़ की कमाई की है। ये रिकॉर्ड इससे पहले आमिर खान की धूम 3 के नाम था। दूसरा रिकॉर्ड बॉलीवुड के दबंग खान 100 करोड़ क्लब के बादशाह माने जाते हैं। टाइगर जिंदा है भी इस क्लब में शामिल हो चुकी है। यही नहीं बल्कि सबसे तेजी से 150 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। तीसरा रिकॉर्ड अक्सर देखा जाता है रिलीज होने के बाद हर बढ़ते दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आती है, मगर ये बातें टाइगर जिंदा है के साथ लागू नहीं होती हैं। फिल्म ने तीसरे दिन 45.53 करोड़ की कमाई की जो किसी भी फिल्म द्वारा रिलीज के तीसरे दिन अभी तक नहीं की गई। चौथा रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है रिलीज के बाद हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 3 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। पांचवा रिकॉर्ड क्रिसमस के चलते वीकेंड और लंबा हो चला। फिल्म इस लंबे वीकेंड का फायदा उठाने में नहीं चूकी। फिल्म 4 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से सलमान खान की फिल्म है और जो उनको चाहने वाले हैं उनको इस फिल्म से किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी को इस बार उनके फैंस पूरी तरह से भुला देंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहना जरूरी हो जाता है कि फिल्म सलमान के फैंस को ही लुभाएगी, बाकी लोगों के बारे में ये बात कहना थोड़ा मुश्किल होगा। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से एक कमर्शियल फिल्म है। जाहिर सी बात है कि लॉजिक को कई बार बगल में रखा जाता है। अगर एक मिशन में रॉ और ISI के एजेंट एक साथ मिलकर उसको अंजाम दे सकते हैं तो इस फिल्म में कल्पना की उड़ान किस हद तक भरी गई है इस बात का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में सिर्फ इसके आधार को छोड़कर सभी कुछ काल्पनिक है।
अब आते हैं इसकी स्टोरी पर। इस फिल्म की कहानी टाइगर के बारे में है, जो क्यूबा मिशन पूरा करने में ऑस्ट्रिया की बर्फीली वादियों में अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी बिता रहा है। अब वो एक 8 साल के बच्चे का बाप भी बन चुका है, जब इराक के इरकिट शहर में ISC के आतंकवादी 40 नर्सेज को एक अस्पताल के अंदर बंधक बना लेते हैं, तब टाइगर का मिशन शुरू हो जाता है। नर्सेज के ग्रुप में कुछ एक पाकिस्तानी भी हैं, लिहाजा ये पूरा आगे चलकर मिशन रॉ और ISI का जॉइंट मिशन बन जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि टाइगर इस मिशन में सभी परेशानियों के ऊपर फतेह पाकर नर्सेज को वहां से छुड़ा लेता है और देश की लाज रखता है। तेजी से आगे बढ़ती कहानी, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म आपके धीरज का कई बार इम्तिहान लेगी, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म आपको ज्यादा बोर नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म की घटनाओं का घटनाक्रम काफी तेजी से चलता है। अगर ये फिल्म किसी वजह से देखने लायक है तो वो निश्चित रूप से इसके प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, जो जाहिर सी बात है इसके बजट की वजह से ही आता है। धमाकेदार है फिल्म के एक्शन। फिल्म देखते वक्त वाकई में इस बात का एहसास होता है कि आप एक रेस्क्यू मिशन देख रहे हैं। निर्देशक अब्बास अली जफर की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने बड़े स्केल पर उन्होंने फिल्म बनाने की सोची और उसको एक अच्छा दिखने वाला रूप दिया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में इससे पहले हम कई जासूसी वाली फिल्म देख चुके हैं, उसके मुकाबले इस फिल्म का कद काफी ऊंचा है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर, विदेशों में जिस तरह से स्पाई फिल्मों को बनाने का ढर्रा होता है, ये उसके काफी करीब है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि आखिरकार टाइगर जिंदा है एक बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म है, इसलिए लॉजिक को कहीं ना कहीं तो गोली मारनी ही पड़ेगी। दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंस, टाइगर को फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनके एक एक्शन सीक्वेंस में उनकी भिड़ंत एक खूंखार भेड़िए से होती है। अब पेपर पर इस बात में काफी दम लगता है, लेकिन इस सीन को फिल्माते वक्त निर्देशक इसमें जान नहीं डाल पाए। फास्ट कट्स और कैमरा मूवमेंट से आप किसी भी सीन में जान नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ फिल्म में कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे भी बन पड़े हैं जिसको देखने के बाद आपके मुंह से वाहवाही निकलती है। जब सलमान अपने हिंदुस्तानी एजेंट से मिलते हैं और वहीं पर एक बच्चा ह्यूमन बम के रूप में मिलता है, तब उसको बचाने के बाद जो एक्शन शुरू होता है वो काबिले तारीफ है। अगर बात करते हैं अभिनय की, तो सलमान खान के बारे में यही कहूंगा कि वो अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में काफी सुधरे हुए नजर आते हैं। फिल्म के कई सीन्स में स्लिप वॉक कर जाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और टाइगर जिंदा है कोई अपवाद नहीं है। एक्शन सीन्स में वो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन कटरीना कैफ इस फिल्म में बाकी कलाकारों के मुकाबले पूरी तरह से उभर कर सामने आती हैं, बावजूद इसके कि उनका रोल इस फिल्म में इतना बड़ा नहीं है। उनके एक्शन सीन्स कमाल के हैं और उनकी मेहनत साफ नजर आती है। महज उनके एक्शन अंदाज को देखकर आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अंगद बेदी और कुमार मिश्रा सलमान की टीम के सदस्य हैं और उनका काम भी ठीक है। अब्बू उस्मान के रोल में सज्जाद डेलफ्रूज हैं और उनका काम भी काफी सदा हुआ है। और अब एक नज़र इस साल की सफल फिल्मों पर। पद्मावत 300 करोड़, पैडमैन 80 करोड़, सोनू के टीटू की स्वीटी 101 करोड़, रेड 98 करोड़, हिचकी 47 करोड़, बागी 2 161 करोड़, अक्टूबर 41 करोड़, 102 नॉट आउट 43 करोड़, राजी 122 करोड़, परमाणु 65 करोड़, वीरे दी वेडिंग 80 करोड़, रेस 3 165 करोड़ और संजू अनुमानित 350 से 375 करोड़। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी सलमान के साथ कटरीना कैफ को ही टाइगर जिंदा है के तीसरे सीक्वल में देखना चाहते हैं? अगर हम बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पहले सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत की, तो एक हफ्ते के जमकर प्रमोशन के बाद आखिरकार अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है का ये सॉन्ग रिलीज कर दिया था। रिलीज के 24 घंटे के भीतर इस ट्रेलर को 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ है। मेकर्स ने दावा किया था कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो गई थी। क्यों है ये सॉन्ग इतना खास? फिल्म के एक क्रू मेंबर के मुताबिक इस गाने से ही फिल्म के शूट को रैप अप किया गया था। इस गाने के लिए दिन में हम जी जान से मेहनत करते थे और शाम को सलमान कैटरीना के साथ जमकर पार्टी करते थे, जिसमें बेहतरीन म्यूजिक भी शामिल होता था। तो असल में ये गाना हमारी पूरी शूटिंग टीम के लिए एक पार्टी थी, जिसका पूरा क्रेडिट सलमान और कैटरीना को जाता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइगर जिंदा है के बारे में।
टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की, और एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कलेक्शन किया था। और अब बारी है टाइगर जिंदा है की। टाइगर जिंदा है इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा है अली अब्बास जफर और नीलेश मिश्रा ने, और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। नीलेश मिश्रा एक इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर, रेडियो स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिकिस्ट हैं। नीलेश जाने जाते हैं अपने रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा ऑन बिग एफएम 92.7। ये को-फाउंडर एडिटर हैं गॉन कनेक्शन इंडिया रूरल न्यूज़पेपर। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान के साथ। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर की जो 2012 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म टाइगर की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ और सज्जाद डेला फ्रूज लीड रोल में हैं। सलमान खान ये नाम तो सब जानते हैं, लेकिन सलमान खान का रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। सलमान का रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन दोनों ने एक साथ एक था टाइगर फिल्म की थी 2012 में। फिल्म में सज्जाद डेला फ्रूज विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। सज्जाद एक ईरानियन एक्टर हैं और शादीशुदा हैं। इससे पहले सज्जाद बेबी फिल्म में डॉक्टर के रोल में नजर आए थे। अब देखना यह है कि फिल्म में आगे क्या होता है और एक इंडियन टाइगर के सामने कितना टिक पाता है ईरानियन टाइगर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद फिर से एक साथ आ रहे हैं अपनी पांचवी कोलैबोरेशन को लेके। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल फन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। फिल्म में एक्शन, रोमांस और भाईजान के दमदार डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था। तो बात आती है कि छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर यानी कि सलमान खान का। फिल्म की स्टोरी टोटली फ्रिक्शन है क्योंकि असल में उन 25 नर्सों को छोड़ दिया जाता है, कोई बचाने नहीं जाता, लेकिन फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ बचाने जाते हैं। ट्रू इवेंट में ये था कि 25 नर्सों को ISI ने टिक्रिक इराक में एब्यूडेंट किया था और बाद में छोड़ दिया था, और इसी स्टोरी लाइन पे मलयालम की फिल्म टेक ऑफ बनी है। टेक ऑफ एक इंडियन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा है महेश नारायण और PV ने, और डायरेक्ट किया है महेश नारायण ने। फिल्म की स्टोरी ट्रू स्टोरी बेस्ड है, और ये बात है 2014 की जब नर्सों को एब्यूडक्शन किया गया था टिक्रिक इराक में। महेश नारायण इस फिल्म से अपना पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का बजट था 25 करोड़, और ये फिल्म 24 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। सलमान की एंट्री और एक्शन इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान और कैटरीना दोनों ही एक्शन करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि हमें फिर से एक बार एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है से और हाई एक्सपेक्टेशन है। फिल्म की रिलीज से पहले ही टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को पछाड़ दिया है। टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को ट्रेलर व्यूज में पीछे कर दिया है। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर व्यूज 24 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा था, और फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर ट्रेलर को लगभग 30 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि एक न्यू रिकॉर्ड है बॉलीवुड के लिए। फिल्म के ट्रेलर ने ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि ट्रेलर बन गया है सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला यूट्यूब वीडियो। 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक्स मिले हैं यूट्यूब पे। यही नहीं बल्कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं। यही नहीं बल्कि ट्विटर और फेसबुक पे भी ट्रेलर ने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि फेसबुक पे 2 लाख से अधिक शेयर मिले हैं 24 घंटे में। और भी बहुत से रिकॉर्ड है इस ट्रेलर के नाम। फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक मिल चुके हैं, जिसने बाहुबली के हिंदी ट्रेलर को पीछे कर दिया है। सलमान खान की फिल्मों में से ये पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर 24 घंटे में 30 मिलियन गया है। मतलब कि सलमान ने अपने सभी पिछले मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। टाइगर जिंदा है का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, वैसे ही ये सोशल मीडिया पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड करने लगा, और मेकर्स का ये दावा है कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
टाइगर जिंदा है का ट्रेलर धमाकेदार एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें सलमान खान गोलीबारी, घुड़सवारी, दिमागी खेल, कैटरीना के साथ रोमांस और जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म में एक्शन तो है ही, लेकिन फिल्म में एक सीन में सलमान बर्फीली पहाड़ियों में वुल्फ से भी लड़ते नजर आएंगे। दिसंबर में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, टाइगर जिंदा है और पद्मावती, लेकिन पद्मावती की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई है विवादों के चलते। पद्मावती एक इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा है संजय लीला भंसाली ने और डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। पिछले महीने फिल्म पद्मावती का ट्रेलर रिलीज हुआ था और 24 घंटे में ट्रेलर को सिर्फ 15 मिलियन ही व्यूज मिले हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर सलमान की फिल्म ने पद्मावती के ट्रेलर से दो गुने व्यूज पाए हैं। इस लिहाजा से देखा जाए तो टाइगर जिंदा है ने ट्रेलर के मामले में शाहिद, दीपिका और रणवीर की फिल्म को पछाड़ दिया है। पद्मावती काफी चर्चे में थी, कभी कास्ट को लेके तो कभी सेट पे हुए हंगामे को लेके, और आए दिन पद्मावती से रिलेटेड न्यूज सुनने को मिलता रहता है। फिल्म में इन्वॉल्वमेंट से बहुत से एक्टर्स ने मना कर दिया है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और भी बहुत से। फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी नाराज है जो भी फिल्म को लेके विरोध हो रहा है, लेकिन सभी फिल्मी जगत के महान हस्ती भंसाली के सपोर्ट में है। टाइगर जिंदा है में और पद्मावती में एक कॉमन बात है, दोनों ही फिल्म में अनुप्रिया नजर आएंगी। पद्मावती में रानी नागमती के किरदार में, टाइगर जिंदा है में एक नर्स के किरदार में। सलमान ने फिल्म के एक्शन सीन के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉमस थ्रूथर की हेल्प ली गई है, ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। फिल्म में घोड़े, टैंक और बड़े हथियार यूज किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आर्मी मिलिट्री की ड्रॉपबैक भी है। टॉमस थ्रूथर एक एक्शन डायरेक्टर है और एक्शन सीन्स के लिए बहुत मशहूर भी हैं। उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ट्रेलर में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रोमांस भी देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। ट्रेलर में एक सीन में सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हैं और उस घोड़े का नाम है वाडो, जो कि एक हाईली ट्रेन और हाईली स्किल घोड़ा है। सलमान के मोरक्को में शूट का शेड्यूल था 11 दिन और उसी में सलमान को घोड़े से दोस्ती करनी थी और उसके साथ स्टंट करना था, और सलमान ने केवल 3 दिन में ही घोड़े से दोस्ती कर ली। टाइगर जिंदा के ट्रेलर की चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हॉलीवुड के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ट्वीट करके कहा कि वो बहुत इंप्रेस्ड है एक्शन सीन्स देख के। सिर्फ वही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार भी काफी इंप्रेस्ड है सलमान के एक्शन से। फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान के फैन ने भी सलमान की हेल्प की है। फैन के पास LED टीवी का शोरूम है और दिन भर शोरूम में ट्रेलर चलता रहता है। अब जो भी आता है ट्रेलर जरूर देखता है। तो सलमान के फैंस ऐसे कर रहे हैं सलमान की फिल्म का प्रमोशन। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों रॉ एजेंट हैं। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान, जो कि इंडियन रॉ एजेंट है, और कैटरीना, जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, या फिर फिल्म में आगे क्या होता है, अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है, इसलिए सलमान पहले से यंग और डैशिंग लग रहे हैं। सलमान के फैंस का मानना है कि जो उन्हें नॉन मैचों के अवतार में स्वीकार करने में असमर्थ थे, तो ट्यूबलाइट के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ने सबको ये दिखा दिया है कि भाई नॉन मैचों के अवतार में भी हिट थे। टाइगर ने अपने फैंस के लिए किया वादा कि वो इस बार हाई ऑक्टेन स्टंट के साथ आएंगे। टाइगर जिंदा है 5 देशों में शूट हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, अबू धाबी, पेरिस और मोरक्को। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक था टाइगर भी 5 देशों में ही शूट हुई थी, जैसे कि इंडिया, टर्की, रीलैंड, क्यूबा और थाईलैंड में। फिल्म का पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया के ट्रायोल में, और सलमान खान की युवराज मूवी का भी पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया ट्रायोल। सलमान ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही फिल्म के लिए हाँ कह दिया जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ को काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ रहे हैं और इसीलिए दोनों कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के वक्त सलमान ने बताया कि मुझे कैटरीना के साथ काम करके मजा आ रहा है। कैटरीना अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं और फिल्म में मैक्सिमम स्टंट वो खुद कर रही हैं। मिड डे न्यूज की बात माने तो अली अब्बास जफर को सलमान और कैट पर पूरा भरोसा है कि अगर फिल्म में ये दोनों रहे
तो फिल्म जरूर सुपर डुपर हिट जाएगी। फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वही कैटरीना कैफ 20 करोड़ और फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग है। फिल्म का हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है स्वैग से करोगे सबका स्वागत। स्वैग से करोगे सबका स्वागत को लिखा है इरशाद और कामिल शेखर ने और गाया है विशाल दडलानी और नेहा भासिन ने। स्वैग से करोगे सबका स्वागत का शूट ग्रीस में हुआ था और इस अकेले गाने का बजट काफी हाई है। स्वैग से करोगे सबका स्वागत में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मर्चेंट ने। बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार सलमान खान ने सब जीरो डिग्री पे फाइट सीन शूट किया है। फिल्म में रियल मिलिट्री वेपन्स यूज किए गए हैं और एक फाइट सीन में सलमान खान MG42 के साथ दिखाए गए हैं जिसका वेट है 25 से 30 किलो। मूवी के लिए सलमान खान ने 20 किलो वेट लूज किया है अपना। फिल्म के लिए कैटरीना ने स्पेशली स्वॉर्ड सीखा है एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। सलमान की ये सेकंड फिल्म थी यशराज प्रोडक्शन के साथ और सलमान की पहली फिल्म थी एक था टाइगर। फिल्म में सलमान खान ने 125 करोड़ रुपए लिए हैं और इसी के साथ सलमान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है और इसी की वजह से आगे का रास्ता पूरा साफ रखा गया था, लेकिन सलमान खान से टक्कर लेने के लिए हॉलीवुड के पूर्व रेसलर ड्वेन जॉनसन सामने आ रहे हैं। ड्वेन जॉनसन एक एक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोफेशनल रेसलर है। ड्वेन जॉनसन अपनी फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल लेके आ रहे हैं। जुमांजी की रिलीज डेट है 29 दिसंबर और टाइगर जिंदा है की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म को आने में अभी एक महीना है और अभी से फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे जहां तक लगता है कि स्टार्टिंग का एक वीक हाउस फुल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की बुकिंग सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही शुरू की गई है। सलमान है मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, ऑल ओवर में सलमान के सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं और इस लिस्ट में बाहुबली के सक्सेस के बाद प्रभास 7वें नंबर पर आते हैं। अपनी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने में सलमान कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि फिल्म में सलमान का कोई भी डांस नहीं होगा। ट्यूबलाइट के फ्लॉप के बाद लोगों को लगता है कि सलमान को इस उम्र में डांस सूट नहीं करता और सलमान इस बात को लेकर काफी सीरियस है। उनके आने वाली किसी भी फिल्म में हमें सलमान का डांस देखने को नहीं मिलेगा। सूत्रों की माने तो सलमान ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर को पहले ही मना कर दिया था कि फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं होना चाहिए। सलमान नहीं चाहते कि फिल्म में इंटीमेट सीन की वजह से या किसी भी सीन की वजह से दर्शकों का ध्यान भटके। वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म के प्लॉट पर ज्यादा ध्यान दे। फिल्म का सबसे लंबा शेड्यूल था अबू धाबी में और वो था 65 दिन का और ये हिंदी फिल्म्स के लिए सबसे लंबा शेड्यूल है। वाडो के एक फिल्म का चार्ज है 2 करोड़ रुपए और इसने बहुत से हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट्स किए हैं। सलमान खान के फैंस के लिए क्या है फिर से गुड न्यूज? टाइगर जिंदा है का सीक्वल कब रिलीज होगा? टाइगर जिंदा है सीक्वल फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म की स्टोरी क्या होगी और बॉलीवुड की वो पहली कौन सी मूवी थी जिसका सीक्वल बना था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, सलमान खान की तरफ से एक गुड न्यूज है उनके फैंस के लिए। आप सभी को 2012 में आई फिल्म एक का टाइगर तो याद होगा ही। फिल्म में थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। उसके बाद उस फिल्म का सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सीक्वल टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है सलमान खान की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक है। ताबड़तोड़ एक्शन से सजी इन फिल्मों में सलमान खान ने रॉ एजेंट का रोल निभाया था। यशराज की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। अब इसी फ्रेंचाइजी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर होश न उड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन खुशी तो जरूर होगी। नई फिल्म
फिल्में कम बन रही हैं, लेकिन सीक्वल्स एक के बाद एक रिलीज होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी रेस 3 को ही देख लेते हैं, और फिर गोलमाल, राउडी राठौर 2, हाउसफुल 4 और भी बहुत सी। अब ऐसे में सलमान खान कैसे पीछे रहेंगे? लेकिन क्या आपको याद है कि वो पहली मूवी कौन सी थी जिसका सीक्वल बना था? शायद नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वो फिल्म थी हंटर वाली 1935। उसके बाद आई हंटर वाली की बेटी 1943, मतलब कि 8 साल बाद। फिल्म में लीड रोल में थी फियरलेस नादिया। ये एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी जिनका नाम था मैरी एन इवांस, जो कि 5 साल की उम्र में 1913 में अपने फादर के साथ इंडिया आई थी, लेकिन वापस चली गई। उसके पीछे एक लंबी कहानी है और वो है वर्ल्ड वॉर की। तो उस टॉपिक पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। 1915 में वापस जाने के बाद 1928 में दोबारा इंडिया आई। उन्होंने अपना नाम बदल कर नादिया रखा। हंटर वाली के बाद फिल्म आई जेवल थीफ 1967 और सीक्वल था रिटर्न ऑफ जेवल थीफ 1996। उसके बाद सीक्वल आते गए, जैसे कि अखियों के झरोके, डॉन, नागिन और भी बहुत सी। तो हम बात कर रहे थे टाइगर जिंदा है की और सलमान खान की। ये फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 के एंड में रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस में काफी कामयाब फिल्म थी। टाइगर जिंदा है के बाद फैंस इसके सीक्वल की भी मांग करने लगे और बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान खान से जब पूछा गया कि क्या उनके हिट फिल्म टाइगर जिंदा है का सीक्वल भी बनने जा रहा है, तो इस पर सलमान खान ने कहा कि उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी है और उन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लग जाएगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो बैक टू बैक फिल्म्स करने में बिजी हैं, जैसे कि रेस 3, भारत, डांसिंग डैड, दबंग 3 और उसके बाद किक 2। इन फिल्मों के बाद कहीं टाइगर जिंदा है का सीक्वल बनने का चांस है। सलमान खान कितने मजाकिया हैं वो तो हम सभी जानते हैं। सलमान खान से जब उस फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने फिल्म का नाम भी बता दिया। सलमान खान ने कहा कि टाइगर जिंदा है के सीक्वल का नाम जोया जिंदा है। अब चाहे आप इसे सलमान खान का मजाक समझकर मुस्कुरा ले या फिर उनके इशारों को समझ ले, मजाक मजाक में ही सही, उन्होंने ये तो बता दिया कि सीक्वल बन सकता है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यशराज फिल्म्स की ओर से फिल्म के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। बात करें कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है। आपको याद होगा कि टाइगर जिंदा है के आखिरी हिस्से में जोया यानी कि कैटरीना कैफ की मौत दिखाई गई थी। सभी लोग जोया को मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि लास्ट में हम देखते हैं कि असल में सलमान खान जोया को बचा लेते हैं और उसे छिपा कर रखते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहीं से टाइगर जिंदा है के सीक्वल की कहानी आगे बढ़ सकती है। लेकिन और नया क्या हमें देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे में फैंस के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे इस फिल्म को लेके कि इस फिल्म में क्या सलमान खान और उनकी टीम फिर से किसी मिशन पे जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मिशन क्या होगा। क्या फिर से इस फिल्म में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होकर एज अ टीम काम करेगी। सवाल तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब वक्त आते आते क्लियर करेंगे। बात करें सलमान खान की, तो सभी जानते हैं कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं और रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अब ऐसे में ये फिल्म अपने पहले दिन कितने का कलेक्शन करती है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में और कलेक्शन के बारे में? आज हम आपको टाइगर जिंदा है के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं। टाइगर जिंदा है एक इंडियन इंस्पायर्ड थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। अली अब्बास जफर ने प्रॉमिस किया है कि इस बार टाइगर और जोया की स्टोरी बड़ी और बेहतर होगी। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान खान के साथ। फिल्म टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की, जो 2012 में आई थी, और ये फिल्म टाइगर फिल्म की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ, परेश रावल और सुदीप लीड रोल।
इस फिल्म में जोया यानी कैटरीना कैफ को भी काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए कैटरीना कैफ भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं। और अगर हम मिड डे न्यूज की बात माने तो अली अब्बास जफर को सलमान और कैटरीना पे पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि पोटेंशियली दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों का ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि ये मूवी हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट जाएगी। इस फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वहीं कैटरीना कैफ 20 करोड़ और इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो चुका है जिसमें सलमान खान अभी तक के एक्सट्रीम एक्शन लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर देख के लगता है कि इस फिल्म में हमें फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है फिल्म से और हाई एक्सपेक्टेशन है। सलमान खान ने फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन्स को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉम स्ट्रूथर्स की हेल्प ली है ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। टॉम स्ट्रूथर एक्शन डायरेक्टर हैं और अपने एक्शन सीन्स के लिए काफी मशहूर भी, और उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। इस फिल्म की स्टोरी अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन सलमान ने ये भी खुलासा किया है कि ये फिल्म एक असली घटना से प्रेरित है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा है को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। कितना रहा टाइगर जिंदा है का 8वें हफ्ते का कलेक्शन, कितना रहा पद्मावत का अब तक का टोटल कलेक्शन, क्या पैडमैन 100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, ब्लैक पैंथर ने कितने का कलेक्शन किया इंडियन बॉक्स ऑफिस पे और वर्ल्ड वाइड में, और क्या टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। साथ ही जानेंगे बॉलीवुड हलचल और पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस पर सफर अभी भी जारी है। फिल्म की कमाई बहुत ही धीमी हो चुकी है, लेकिन सलमान खान के फैंस के बीच फिल्म की कमाई जानने का क्रेज अभी भी बरकरार है। वैसे भी टाइगर जिंदा है सलमान खान की अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है। दिलचस्प है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है रशिया में भी रिलीज हो चुकी है। अगर बात करें इंडियन कलेक्शन की तो फिल्म ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 206 करोड़ 4 लाख का, दूसरे हफ्ते 85 करोड़ 51 लाख, तीसरे हफ्ते 27 करोड़ 31 लाख, चौथे हफ्ते 10 करोड़ 89 लाख, पांचवे हफ्ते 5 करोड़ 81 लाख, छठे हफ्ते 2 करोड़ 63 लाख, सातवें हफ्ते 89 लाख, आठवें हफ्ते 8 लाख और इस फिल्म का अब तक का टोटल नेट कलेक्शन होता है 339 करोड़ 16 लाख। और बात करें इंडियन टोटल ग्रॉसर की तो वो है 434 करोड़ 82 लाख। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बिजनेस किया है 545 करोड़ 82 लाख। ये फिल्म 15 फरवरी को रशिया में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले थे और वही बाहुबली द कंक्लूजन को 300 स्क्रीन्स मिले थे। देखा जाए तो रशिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है मूवीज के लिए, मूवीज के कलेक्शन के लिए। जो सबसे बड़ी मार्केट है मूवीज के लिए वो है चाइना और उसके बाद है इंडिया। इंडिया में लगभग 6000 स्क्रीन्स है और लगभग 2200 मल्टीप्लेक्स, रशिया में टोटल 4200 स्क्रीन्स है जिनमें सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले हैं टाइगर जिंदा है को। तो रशिया में पहले हफ्ते कलेक्शन किया है टाइगर जिंदा है ने 5 लाख का, क्या पीके का रिकॉर्ड टूट पाया या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल पीके का रिकॉर्ड टूट चुका है, अगर पीके की लैंग्वेज में बोले तो पीके का रॉन्ग नंबर लग गया है। बात करते हैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म्स और उनके कलेक्शन की, तो 2018 की सबसे पहली फिल्म थी 1921, फिल्म का बजट था 15 करोड़, फिल्म ने कलेक्शन किया 23 करोड़ 4 लाख। कालाकंडी, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। मुक्केबाज, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। माई बर्थडे सॉन्ग, कलेक्शन 80 करोड़। वोट का डायरी, कलेक्शन 1 करोड़ 26 लाख। बात करते हैं पद्मावत, पैडमैन और ब्लैक पैंथर के कलेक्शन के, तो फिल्म पद्मावत ने कलेक्शन किया था 19वें दिन 3 करोड़ 75 लाख, 20वें दिन 4 करोड़ 50 लाख, 21वें दिन 2 करोड़ 50 लाख और 22वें दिन 1 करोड़ 50 लाख। और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 269 करोड़ 25 लाख। पैडमैन ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 63 करोड़ का, और अगर दूसरे वीक की बात करें तो फिल्म ने 13 दिन में कलेक्शन किया है 75 करोड़ 80 लाख का और फिल्म का इंडियन ग्रॉसर कलेक्शन है 101 करोड़। बात करते हैं फिल्म ने ओवरसीज में कितना कलेक्शन किया, तो इस फिल्म ने ओवरसीज में 13 दिन में कलेक्शन
किया है 30 करोड़ का। अब बात करते हैं हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लैक पैंथर की। फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया इंडिया में? तो फिल्म रिलीज हुई थी इंडिया में 16 फरवरी को और इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन, मतलब की लगभग 1280 करोड़। तो इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है 4 दिनों में 22 करोड़ 60 लाख का और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3215 करोड़ का। अब बात करते हैं बॉलीवुड हलचल की। तो अभिषेक कपूर ने कहा कि शाहरुख खान जीरो में लग रहे हैं एलियन। अभिषेक कपूर जो कि डायरेक्टर हैं केदारनाथ के और उन्होंने कई फिल्मों के बारे में नेगेटिव बोला है, जैसे कि जीरो से बेहतर है केदारनाथ। धड़क के बारे में बोला कि साउथ की मिक्सिंग है। और भी बहुत सी फिल्मों के बारे में बोला इन्होंने। 60 साल की महिला बनेगी तापसी पन्नू और कृति सैनन। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म वुमनिया जिनमें कृति सैनन भी नजर आएंगी। शाहरुख खान फैंस के लिए एक गुड न्यूज, दिसंबर में शुरू करेंगे शाहरुख खान डॉन 3 की शूटिंग। शाहरुख खान इन दिनों बिजी है जीरो में, इसलिए डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी दिसंबर में। इरफान खान हुए बीमार और जिसकी वजह से उनके सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होल्ड पर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इरफान खान ठीक हो और अपने कमिटमेंट्स पूरे करें और अच्छी से अच्छी फिल्म हमें दें। बन सकती है आशिकी 3। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी आलिया भट्ट। दीपिका को दिए थे भंसाली ने ₹500 का नोट। पद्मावत के जौहर सीन में दीपिका के बेहतरीन एक्ट से इंप्रेस होके फिल्म के डायरेक्टर ने दिए थे ₹500 दीपिका को। तो दोस्तों अब बारी है उस सेक्शन की जहां हम और आप मिलते हैं, मेरा मतलब है कि कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला कमेंट है सैयद मोहम्मद का, सुपर वीडियो भाई। ओम शांति ओम का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है? दोस्त धन्यवाद कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। और हम आपको बता दे दोस्त, फिल्म का बजट था 35 करोड़ और फिल्म ने कलेक्शन किया था 150 करोड़ का। अगला कमेंट है बबरू स्वेद, हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी कौन सी है? दोस्त उस फिल्म का नाम है द हॉर्बिट ट्रायोलॉजी। उस फिल्म का बजट है लगभग $650 मिलियन और अगर इंडियन रुपीज में देखे तो लगभग 480 करोड़। मुस्ताफिजुर रहमान, उनका कहना है कि हमें इस तरह की बॉलीवुड खबरें देने के लिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्रिस 4 के बारे में कुछ खबर है तो जरूर बताना। दोस्त सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपको हमारा चैनल और इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी टीम की भी यही कोशिश रहती है। दोस्त अगर बात करें क्रिस 4 की तो ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। अगला कमेंट है गुड खान, थैंक्स अंकित भाई। हमारे हीरो SRK की मूवी बादशाह की सीक्वल बादशाह 2 भी बननी चाहिए, वो भी न्यू मिशन के साथ, प्लीज अपडेट करें। जहीर अब्बास खान फ्रॉम पाकिस्तान, दोस्त बिल्कुल बननी चाहिए क्योंकि शाहरुख खान को ऐसे रोल में देखे हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है। ये होगा कि कब फिल्म मेकर्स इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं। लखन पडोलकर, टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवीज 2018, 2019 और 2020। दोस्त जहां तक फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से टाइगर श्रॉफ की बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं, जैसे कि बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, रैम्बो और बागी 3। हसीब खान, दिशुम का बजट था 100 करोड़, इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96 करोड़। दोस्त पहले तो जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हम मानते हैं कि टीम से कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार गलत हो। इस फिल्म का दिशुम का बजट है 65 करोड़, 55 करोड़ प्रोडक्शन और बाकी के 10 करोड़ जो पब्लिसिटी में लग जाते हैं, लेकिन फाइनल बजट देखे तो वो है 55 करोड़। और जैसा कि हमने कहा था कि फिल्म ने कलेक्शन किया है 121 करोड़ का, तो वो भी सच है। और जो आप कह रहे हैं कि फिल्म ने इतने का मतलब कि 96 करोड़ का बिजनेस किया, तो दोस्त हम आपको बता दे कि फिल्म का इंडिया और ओवरसीज मिला के होता है 98 करोड़ 32 लाख। उसके बाद फिल्म के थिएटर राइट्स होते हैं, म्यूजिक राइट्स होते हैं और अगर उन सबको एड किया जाए तो उतना ही होगा जितना कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आदिल हुसैन, तो ये बात करें मेरे कल की वीडियो बागी 2 के बारे में, ये कह रहे हैं कि भाई कभी कहते हैं मुंबई और थाईलैंड में शूटिंग हुई है और कभी बहुत सारे नाम देता है। दोस्त लगता है आपने वीडियोस ध्यान से नहीं देखी, मैंने कहा है कि मैक्सिमम सीन्स मुंबई और थाईलैंड में शूट हुए हैं और बाकी जहां जहां फिल्म शूट हुई है वो लोकेशन बताई है मैंने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो वीडियो बागी 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन फिर से देखिए। कैसर अब्बास, सर पद्मावत मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी है, क्या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? दोस्त बिल्कुल आपने सही कहा कि पद्मावत एक जबरदस्त मूवी है, लेकिन दोस्त ये बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अगर पद्मावत विवाद में ना फंसती और कई लैंग्वेजेस में रिलीज होती और अगर 5000 स्क्रीन से भी ज्यादा स्क्रीन मिले होते तब थोड़े बहुत चांसेस थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। भट्ट बिलाल बिलाल, भाई रोबोट 2 कब रिलीज होगी? सब बोल रहे हैं कि उसकी रिलीज डेट चेंज हो गया है। बिल्कुल, इस फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई
रही है क्योंकि अभी फिल्म बनकर तैयार नहीं हुई है और जैसी इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये फिल्म अगस्त के बाद ही रिलीज हो सकती है। और लास्ट कमेंट है प्रियंका सैनी का कि कमांडो 3 कब आएगी। दोस्त ये फिल्म आएगी इतना तो जरूर है और जैसा कि फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से अभी स्क्रिप्टिंग हो रही है तो जैसे ही स्क्रिप्टिंग पूरी होगी उसके कुछ समय बाद ही ये फिल्म फ्लोर पे आ जाएगी, अनुमान लगा सकते हैं 2019 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों ध्यान रहे हमारी टीम आप सभी के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन सभी सवालों के जवाब देने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्सेस में ही आंसर करती है। एक्शन और रोमांस के तड़के से भरपूर है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है। फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है और कहा जाता है कि टाइगर की एक बार फिर से वापसी हुई है, तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। अपने एक्शन अवतार में सलमान खान एक बार फिर दर्शकों के बीच में अपने फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर आ गए हैं। फिल्म का सेंट्रल पॉइंट इसका पावर पैक्ड एक्शन और देशभक्ति है। फिल्म की कहानी इस बार 40 नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर और जोया की है। इन नर्सों में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं, जिन्हें आईसिस ने बंधक बना रखा है। इस मिशन के लिए रॉ और आईएसआई एजेंट हाथ मिलाते हैं। जहां पिछली फिल्म एक था टाइगर अपने वतन से शुरू होती है, तो वहीं इस बार आतंकवाद की आग में बरसों से झुलसते सीरिया की जमीन से शुरू होती है। सलमान की ये फिल्म देखकर ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में फिल्म को क्यों रोका गया, जबकि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और रॉ का एक साथ एक मिशन पर निकलना और कामयाब होना सिनेमा के पर्दों पर देखना अच्छा लगता है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते बेहतरीन एक्शन सीन, ऑस्ट्रिया और मोरक्को की गजब की खूबसूरत लोकेशन और एक्शन सीन्स फिल्म का प्लस पॉइंट है। सलमान का स्टाइल और उनका बदला हुआ अंदाज आपको पसंद आ सकता है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अविनाश सिंह राठौर यानी कि सलमान खान टाइगर अब पापा बन चुके हैं और अपनी वाइफ जोया और बेटे के साथ टाइगर ऑस्ट्रिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहते हैं, लेकिन टाइगर अपने देश और रॉ को भुला नहीं पाते और इसी वजह से टाइगर अपनी मौजूदगी का संकेत नई दिल्ली में बैठे अपने बॉस शिवाय सर को भेजते रहते हैं। इस बीच आईएस का मुखिया उस्मान यानी कि साजिद डेलाफ्रूज एक के बाद एक कई शहरों पर अपना कब्जा करता है और उन्हें बर्बाद करता है और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए वो कई बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं करता है और ऐसे में अमेरिका उस्मान के बेस कैंप को तबाह करने और उस्मान सहित दूसरे आतंकियों को मारने के लिए 7 दिन बाद अटैक करने का प्लान बनाता है। उस्मान के इसी अड्डे में भारत और पाकिस्तान के करीब 40 से भी ज्यादा नर्से हैं, जो उस्मान और उसके साथी बगदादी के कब्जे में हैं। उन भारतीय नर्सों को भारत वापस लाने के लिए सिनॉय टाइगर को मिशन सौंपते हैं। टाइगर अपनी टीम के साथ जाता है। वहीं पाक खुफिया एजेंसी की खास एजेंट रही जोया खान भी आईएस और उस्मान की गिरफ्त से पाकिस्तानी नर्सों को बचाने के मिशन पर सीरिया पहुंचती हैं। टाइगर के साथ रॉ की टीम और जोया के साथ आईएसआई के 2 लोग भी यहां इन सब की मदद करने में लगे हैं। मिशन का अंजाम क्या होता है ये देखने के लिए आपको टाइगर से तो मिलना होगा। पूरी फिल्म सलमान के कंधों पर टिकी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सलमान शॉट उतारकर हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टारर की तरह भारी भरकम बंदूक और स्टेन गन को चला के सिंगल स्क्रीन पर जादू चला देते हैं। फिल्म में जोया का जवाब नहीं है, उनके कुछ एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं और लगता है ऐसे खतरनाक स्टंट सीन करने के लिए कैटरीना ने काफी मेहनत की होगी। शुरुआत में फिल्म आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका नहीं देगी, लेकिन इंटरवल के बाद न जाने क्यों फिल्म के क्लाइमेक्स को खींचा गया है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म में एक्शन की भरमार है और अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक रिलीज से पहले ही हिट हो चुका है। तो ये तो रही स्टोरी की बात, आइए जानते हैं फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म के बारे में क्या कहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का कहना है कि टाइगर जिंदा है कि कहानी में काफी सारी मजबूत चीजें हैं, जैसे शानदार कहानी, दिलचस्प स्क्रिप्ट, जबरदस्त डायलॉग, ट्रेंडी साउंडट्रैक और बेहतरीन तरीके से दिखाए गए एक्शन सीन्स। फिल्म क्रिटिक सुभ्रा गुप्ता का कहना है कि फिल्म में कुछ चीजों को बहुत बार रिपीट किया गया है और उसकी वजह से दर्शक बोर हो रहे हैं। अपने एक्शन किरदार में सलमान खान और कैटरीना कैफ काफी जच रहे हैं। कैटरीना को एक्शन करते हुए देख ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद आएगी और अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो 100% ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। और वहीं अगर आप पहली फिल्म से इसकी तुलना करेंगे या कुछ नया देखकर इसे देखेंगे तो शायद आप अपसेट हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। आज टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर का। एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पे खूब धमाल किया था। अब बारी है टाइगर जिंदा की। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है।
ट्रेलर देख के लगता है कि ये फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर स्टार्ट होता है वॉइस ओवर से और उन्हीं वॉइस ओवर में एक आवाज है अंजना ओम कश्यप की। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर के साथ। टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि इस फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान जो कि इंडियन रॉ एजेंट है और कैटरीना कैफ जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है या फिर फिल्म में आगे क्या होता है। अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर या फिर हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू से इराक का एक खूबसूरत नगर दिखाई देता है। ट्रेलर में अगले सीन में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है फ्रीडम अगेंस्ट ऑपरेशन और उसी चौक में एक के हाथ में स्टॉक दिखाई देता है। उसे यूज किया गया है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इराक और हम आपको बता दें कि ये एक सेट का पार्ट है। अगले सीन में बस में 25 नर्सें दिखाई देती हैं जिन्हें आईसिस अगवा कर लेता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ट्रेलर में डायरेक्टर ने भी बताया है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उसके आगे के सीन में हमें एक टेररिस्ट का ग्रुप दिखाई देता है। उस सीन को देखा जाए तो असली आईसिस का फ्लैग का कलर ब्लैक होता है लेकिन फिल्म में रेड दिखाया गया है। अगर हम रियल इंसिडेंट की बात करें तो वो लोग नर्सों को किडनैप करके मोसुल में रखते हैं जो कि हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं इस टीवी एंकर के स्क्रीन पे। उसके आगे के सीन में दिखाया जाता है एक पोस्टर जो कि विलेन का होता है। विलेन का नाम फिल्म में अबू उस्मान है और असल में इनका नाम है सजार डेला फ्रूज और इससे पहले इन्हें बॉलीवुड फिल्म बेबी में देखा गया है। बेबी फिल्म में इनका रोल एक डॉक्टर का था। ट्रेलर में दिखाई देता है कि वो उन सभी नर्सों को इराक के सिटी हॉस्पिटल इक्रिट में रखते हैं जो एक तरह से विलेन का हेडक्वार्टर लगता है। वेल हम आपको बता दें कि इराक में जो हॉस्पिटल था उसका नाम सिटी हॉस्पिटल टिक्रिट था जिसे बाद में इराकी सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जो बैकग्राउंड में लोकेशन रखा गया है वो एडिटेड है। अगले सीन में देखते हैं कि इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ठीक ऐसा ही सीन हमने देखा था 2014 में जब नर्सों को अगवा कर लिया गया था। ट्रेलर में इससे इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है और बात हो रही है कि उन टेररिस्ट के हाथों से 25 नर्सों को छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का। वेल फिल्म एक था टाइगर में हमने देखा था कि वो दोनों कहीं खो गए हैं और उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था लेकिन रॉ की टीम उन्हें कैसे ढूंढती है या फिर इन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करके राजी करती है इस मिशन के लिए, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे के सीन में देखते हैं कि जैसे ही टाइगर का नाम आता है वो आइस स्केट के साथ जंप करते हैं। वेल वो सीन ऑस्ट्रिया का है और ये सीन देख के लगता है कि ट्रिपल एक्स द केस ऑफ एक्सेंडर में वैन डीजल की एंट्री पे देखा था और सलमान को यहाँ देख के लगता है कि ये किसी मिशन पे आए हैं। उसके आगे अबू धाबी का सीन है और हम सीन में अबू धाबी का एक फ्लैग भी देख सकते हैं। ऑटो में बकरियों के साथ सलमान और एक और एक्टर जो बैठे हैं उनका नाम है कुमुद मिश्रा जो हमें सुल्तान फिल्म में एक ट्रेनर के रोल में दिखे थे। आगे सीन में देखते हैं कि सलमान खान और कुछ लोग ब्लू कलर के कपड़े में हैं और चलते आ रहे हैं। उसमें एक एक्टर दिखाई देते हैं जिसका नाम है अंगद बेदी और इससे पहले अंगद बेदी उंगली पिंक और डियर जिंदगी में देखे जा चुके हैं और इस सीन को देख के लग रहा है कि ये लोग प्लान करके हॉस्पिटल में घुसने की सोच रहे हैं। उसके बाद विलेन अबू उस्मान का एक झलक देखने को मिलता है और माना जाता है कि इस लुक को लिया गया है आईसिस के चीफ अबू बकर से। उसके आगे सीन में कुछ लोग घुटने में बैठे हैं और उनके पीछे लोग बंदूक लेके खड़े हैं जैसा आईसिस के अधिकतर वीडियो में देखने को मिलता है हमें और ये सीन उसी से इंस्पायर्ड है। सीन को देख के समझा जा सकता है कि ये लोग घुटने पे जो बैठे हैं वो आर्मी वाले हैं जिन्होंने आईसिस के कुछ लोगों को मार दिया है और ये लोग पकड़े गए हैं और इनका गला काटा जा रहा है। इन सभी सीन्स के बीच में टाइगर और जोया का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है
आगे के सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं सलमान के साथ और देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा टाइगर और जोया का ही है। इस सीन में सभी नर्स प्रे कर रही हैं। ट्रेलर में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और ये सभी सीन वही हैं जहां आईसीस वाले आर्मी वालों का सर काट रहे हैं। ये सीन देख के लगता है कि फिल्म का एंड है। बस वाले सीन को देख के लग रहा है कि सलमान उन नर्सों को बस में बिठा के कहीं ले जा रहे हैं और ये ट्रक का सीन देख के लग रहा है कि ये तबका है जब सलमान अबू उस्मान के अंपायर में घुसते हैं। अगले सीन में लॉन्चर चलाना सलमान का वो भी जबरदस्त लग रहा है। ये सीन फिल्म का एंड का होगा जहां ये लोग सभी नर्सों को लेके दूसरे बॉर्डर पर पहुंच गए होंगे। उसके आगे हम देख सकते हैं कि कुछ नर्सें भाग रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक नर्स की बॉडी पे बम लगा हुआ है। फिर उसी सीन में टाइगर और विलन का आमना सामना होता है और टाइगर एक धमाकेदार पावरफुल डायलॉग मारते हैं। उसके बाद हमें टाइगर रैम्बो के स्टाइल में बाहर निकलते नजर आते हैं। वेल हम आपको बता दें कि ये सीन इंस्पायर्ड है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से और ऐसा लगता है कि टाइगर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अबू इजराइल से, जिसने आईसीस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है और उन्हें इराक में रैम्बो कहा जाता है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो ट्रेलर में देख के लगा। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाई YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। टाइगर जिंदा मूवी की टिकट और नॉर्मल मूवीज की टिकट में कितने का है डिफरेंस? फिल्म को कितने लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म को देखने नहीं जाएंगे और क्रिसमस का क्या होगा फायदा सलमान खान के फिल्म टाइगर जिंदा है को? तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे धमाकेदार फिल्म साबित होने वाली है। इसका अनुमान फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा रहा है। इंडिया में संडे से फिल्म की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया के साथ ही इस फिल्म की टिकट बुकिंग और भी कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है। माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज के एक महीने बाद भी हाउसफुल रहेगा और ये फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। सूत्रों की माने तो सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है अपनी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की कलेक्शन को भी पूरा कर देगी और फिल्म को क्रिसमस रिलीज का फायदा मिलने वाला है। माना जाता है कि ज्यादातर क्रिसमस रिलीज फिल्में सुपर हिट होती हैं और शानदार कलेक्शन करती हैं। क्रिसमस वाले वीक में लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि उस समय ऑफिसेज में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में भी छुट्टी होती है और इस वजह से भारी तादाद में लोग सिनेमा हॉल्स में पहुंचते हैं और इस वीक में तो सिर्फ सलमान खान ही हैं और कोई नहीं, तो इसका फायदा भी फिल्म को जरूर मिलेगा। आने वाले फ्राइडे को बहुत से रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे क्योंकि 22 दिसंबर को सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हो रही है। फिल्म की धमाकेदार एंट्री की एक झलक हमें पहले ही देखने को मिल चुकी है ट्रेलर में। फिल्म के रिलीज से पहले ही खबर मिली है कि बहुत से PVR हाउसफुल हो चुके हैं। इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि फिल्म की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। माना जाता है कि टाइगर जिंदा की एडवांस बुकिंग को धमाकेदार शुरुआत मिली है और कई PVR हफ्तों के लिए हाउसफुल हो चुके हैं। फिल्म की ओपनिंग धमाकेदार होगी और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि हमें ट्रेलर देख के लगा, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि फिल्म कितने स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, तो हम आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है इंडिया में 4,500 स्क्रीन पे लॉन्च हो रही है। फिल्म अगर इतने सारे स्क्रीन पे लॉन्च हो रही तो मतलब तो साफ है कि भाईजान की मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन सुपर डुपर होने वाला है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि इस फिल्म को 100 में से 95 वोट मिले हैं, जहां सलमान खान की एक था टाइगर को 100 में से 27 वोट मिले और पार्टनर को 72, बॉडीगार्ड को 69। तो ये सलमान खान की पहली फिल्म है जिसे लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। टाइगर जिंदा है फिल्म की टिकट प्राइस की बात करें तो जहां बाकी सब मूवीज की नॉर्मल टिकट प्राइस 200 से 250 तक होती है, वहीं इस फिल्म की टिकट प्राइस है 400 से 450 तक की और कहीं कहीं तो 1000 से लेकर 1400 तक के प्राइसेस हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है का भी हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में कैटरीना को धमाकेदार अंदाज में देखा जा सकता है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है के रिलीज में अब कुछ ही समय रह गया है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एक और वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें हम सलमान के साथ कैट को भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाते देख सकते हैं, जहां एक और सलमान दुश्मनों से लड़ते नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कैटरीना भी उनका साथ दे रही हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में कैटरीना के मूव्स काफी खतरनाक लग रहे हैं और इस सीन को देख के लगता है कि दर्शक इस सीन को बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को खुद सलमान खान ने शेयर किया था। अभी हाल ही में टाइगर जिंदा है फिल्म का एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिंदा है। इस सॉन्ग को गाया है सुखविंदर और रफ्तार ने। एक सूफी सॉन्ग का कॉम्बिनेशन और अरेबिक म्यूजिक रखते हुए रफ्तार ने जो इसमें अपना अंदाज डाला है रैप से, माइंड ब्लोइंग। इस सॉन्ग के वीडियो में फिल्म के और भी बहुत से सीन सामने आए हैं। इस गाने को देख के लगता है कि सलमान खान और उनकी टीम इराक में चुपके से घुस आए हैं
और इन लोगों के पास सिर्फ दो दिन होते हैं उन नर्सों को बचाने के लिए। इस गाने में और भी बहुत से ऐसे सीन हैं जो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिला था। टाइगर जिंदाया को रिलीज होने में सिर्फ अब 90 आवर्स रह गए हैं। फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाई YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है। फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का और उसी के साथ टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन, इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। सलमान ने अपना वेट लूज किया है तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है का खाड़ी से फिल्म का रिव्यू आया है, तो आइए डालते हैं उस पे एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है फिल्म कल रिलीज हो रही है, लेकिन भाईजान का कुछ लकी फैंस है जिन्होंने आज ही ये फिल्म देख ली होगी और वो फैंस है खाड़ी के। खाड़ी में फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म क्रिटिक्स ने टाइगर जिंदा है को रेटिंग्स दे दी हैं और माना जा रहा है कि फिल्म पैसा वसूल एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब कि दर्शक वो सब देख सकते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे कि भरपूर एक्शन, रोमांस, केमिस्ट्री और सुपर डुपर हिट रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड स्टोरी। और इन सब को मिला के देखा जाए तो कह सकते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट का डोज बहुत होगा। फिल्म में जो एक्शन है वो हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं। लोकेशन भी बहुत अच्छी चूज की गई है, हर जगह बात हो रही है एक्शन की। तो हमने इससे पहले भी टाइगर जिंदा से रिलेटेड बहुत से वीडियोस अपडेट किए हैं जिसमें टाइगर से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी और उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। फिल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म सिर्फ थ्रिलर और रोमांटिक है। फिल्म कई लेवल में हमें एंटरटेन करेगी और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस फिल्म में एक मैसेज भी रखा है। देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर हैं जो सलमान खान से कुछ अलग करवा पाते हैं या कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं, और अली अब्बास जफर उन डायरेक्टर में से एक है। फिल्म कहीं भी अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं जाती। फिल्म में एक्शन काफी खतरनाक है और ऐसा कि फिल्म में बार बार एक्शन देख के या रोमांस देख के बोर नहीं होना पड़ेगा। फिल्म के सभी किरदारों ने अपना काम बखूबी किया है और सबसे अच्छा काम किया फिल्म के विलन सजार डेलाफ्रूज ने। सजार डेलाफ्रूज के बारे में बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। माना जाता है कि फिल्म सलमान खान की है, लेकिन फिर भी कैटरीना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिल्म में कैटरीना को एक नए रोल में देखने को मिलेगा जो उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद आएगा। फिल्म में कैटरीना को बहुत कम दिखाया है, लेकिन जितना भी पार्ट है उनका बहुत जबरदस्त है। फिल्म के एक्शन, लोकेशन और सॉन्ग्स फिल्म को और दर्शकों को बांध के रखेगी और दर्शक बोर फील नहीं करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट है और 2017 में बॉलीवुड को इससे अच्छा एंड नहीं मिल सकता। टाइगर जिंदा है कल देखते ही देखते सारे रिकॉर्ड्स धराशाही कर देगी और इस फिल्म को 4.5 स्टार मिले हैं। और आप फिल्म को कितने स्टार देते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। टाइगर जिंदा है कैसे करेगी बिजनेस 7,700 करोड़ का? टाइगर जिंदा है ने कितने का बिजनेस किया 29 और 30वें दिन? क्या टाइगर जिंदा है का तीसरा पार्ट आएगा या नहीं? टाइगर के सामने आमिर खान की फिल्म पीके नहीं टिक पाई और पीछे हो गई, जानेंगे कैसे। पीके का हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए टाइगर को और कितने का कलेक्शन करना होगा? 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं और वो कौन सी फिल्म है जो नंबर 1 पे है कलेक्शन के मामले में? और बात करेंगे कि किस एक्टर की कितनी फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब को क्रॉस किया है। साथ में ये भी बात करेंगे टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग जो लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आए थे। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस में एक कमेंट सेशन होगा जहां हम अपने व्यूवर्स के पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के उनके नाम सहित इस वीडियो के एंड में जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में।
2017 साल में बहुत से फिल्म्स आई और वो सभी फिल्म्स PVR में कलेक्शन के मामले में बढ़ चढ़ के बोली और एक दूसरे को टक्कर दिया या यूं कहें कि कंपटीशन रखा। पर ऑडियंस और व्यूअर्स को जो सबसे ज्यादा फिल्म्स पसंद आई और जिन फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया वो फिल्म्स है गोलमाल अगेन। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 309 करोड़ 45 लाख। रईस 308 करोड़ 88 लाख वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और टाइगर जिंदा है 562 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और ये सिर्फ 26 दिन तक का ही है। अली अब्बास जफर डायरेक्टेड फिल्म टाइगर जिंदा है को दर्शकों को काफी प्यार मिल रहा है और फिल्म को 30 दिन हो गए हैं लेकिन फिल्म अभी भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी सलमान खान का ये नया अंदाज काफी लोगों को पसंद आया और इस जोड़ी को मतलब कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। इस फिल्म ने 29वें दिन बिजनेस किया था 78 लाख का और 30वें दिन 1 करोड़ 27 लाख का। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है इंडिया में 331 करोड़ 80 लाख और फिल्म का 26 दिन तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 562 करोड़। और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 1 करोड़ 56 लाख का 29वें दिन और 30वें दिन 2 करोड़ 25 लाख का और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 490 करोड़ 21 लाख। और बाहुबली का बेस्ट सीन जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था पसंद आया था जब देवसेना के यहाँ महल में आक्रमण होता है और बाहुबली और देवसेना युद्ध जीत जाते हैं मगर देवसेना को बाहुबली की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो एक योद्धा है और देवसेना के बार बार पूछने के बावजूद बाहुबली नहीं बताती, वो टालते हैं। और फिर कटप्पा बाहुबली के बारे में बताता है, माहेशमती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामनी के प्रिय पुत्र, भयभीत था संसार जिसके उसके काल के संहारक वीरों के अमरेंद्र बाहुबली। उसके बाद सभी तलवार नीचे गिरती हैं और सभी झुक जाते हैं। वो सीन एक एपिक सीन था, माइंड ब्लोइंग सीन था और इस सीन पे PVR सीटियों और तालियों से गूंज गया था। गोलमाल अगेन, इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 60 लाख का और 30वें दिन 40 लाख का और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 204 करोड़ 36 लाख। दंगल, इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 1 करोड़ 19 लाख का, 30वें दिन 2 करोड़ 10 लाख का और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 386 करोड़ 39 लाख। इस फिल्म का एपिक सीन जहां आमिर खान अपने ऑफिस में टीवी पर रेसलिंग देख रहे होते हैं और उनके बगल में कोई आगे खड़ा होता है और आमिर खान कहते हैं कि ना पैसे ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे, सिर्फ मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते, नया है के? तब भी मैं सोचूं कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाती है। आपके लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट, अखाड़ा होता ना तेरी कर देता, अखाड़े की क्या जरूरत है। फिर दूसरी तरफ कमेंट्री हो रही होती है टीवी पर और दूसरी तरफ इधर ऑफिस में कुश्ती हो रही होती है। 3 राउंड हारने के बाद कहते हैं, दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने, अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हराया तू, वाह क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो ये वो एपिक सीन था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो बात करते हैं रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, दंगल नंबर 2 पे और टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है। अब सवाल आता है कि किस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नाम आता है सबके चहेते भाईजान यानी कि सलमान खान। सलमान खान की 12 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नंबर 1 पे है सलमान खान, नंबर 2 पे है अक्षय कुमार, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की 8 फिल्म है और अजय देवगन की 6 फिल्म। बात करते हैं कि कैसे फिल्म 7,700 करोड़ का बिजनेस करेगी, उससे पहले जानते हैं कि मूवी का वर्ल्ड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे ऐड किया जाता है, या तो उसमें इंक्लूड होता है फिल्म्स के थिएटर राइट, मतलब कि जिस कंट्रीज में फिल्म्स रिलीज होती हैं, वो सभी कंट्रीज फिल्म के थिएटर राइट्स खरीदती है, जैसे USA राइट, साउदर्न स्टेट राइट्स, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, USA हिंदी वर्जन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थिएटर राइट्स के बाद आता है म्यूजिक इन ऑल वर्जन, फिर सैटेलाइट राइट्स, यूट्यूब व्यूज, अब यूट्यूब में भी ट्रेलर व्यूज, टीजर व्यूज, फिल्म मेकिंग वीडियो व्यूज, फिर आता है फिल्म्स मीडिया पार्टनर्स, एडवर्टाइज कलेक्शन और भी बहुत से डील्स होते हैं। प्लस जैसा कि हम कह रहे हैं कि फिल्म अभी कुछ देशों में रिलीज नहीं हुई है जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तो जब ये फिल्म इन देशों में रिलीज होगी तो जरूर ये फिल्म 7,700 जितना बिजनेस करेगी। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, सुनने में आया कि शायद ये फिल्म चाइना में बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट फिल्म को लेकर जैसे खलबली मची है चाइना में, उसे देखकर कह सकते हैं कि फिल्म शायद बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है।
है और बहुत अच्छे स्क्रीन्स पे रिलीज होगी। 6000 और 7000 स्क्रीन्स के बीच रिलीज हो सकती है ये फिल्म। और अगर ये फिल्म इतनी सारी स्क्रीन्स पे रिलीज होगी तो इस फिल्म को शायद 7700 करोड़ या इससे भी अधिक बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि इस वीडियो के एंड में कमेंट सेशन है जहां लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले कमेंट है हर्षित प्रजापति का कि ट्यूबलाइट का चाइना लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से पहले पता चला था कि ये फिल्म ट्यूबलाइट चाइना में रिलीज होने वाली थी, पर अभी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एवरेज कलेक्शन। तो दोस्तों इस फिल्म का चाइना में कोई कलेक्शन नहीं है। सूरजीत ने पूछा था भाई क्या सुल्तान चाइना में रिलीज हुआ था। तो दोस्त ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है कि यह फिल्म चाइना में रिलीज होगी। और एक और सबसे बड़ी न्यूज, इस फिल्म के साथ सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी चाइना में रिलीज होने वाली है और ये दोनों फिल्म साल 2018 में रिलीज होंगी। SRK की वाइंस गोयल ने पूछा था कि क्या फिल्म टाइगर पीके को पीछे छोड़ देगी। तो दोस्त बता दूं कि टाइगर के 28वें दिन के कलेक्शन ने पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर का 28वें दिन का कलेक्शन था 78 लाख और पीके का 57 लाख। तो टाइगर ने पीके को पीछे कर दिया है। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पीके का है 340 करोड़ 80 लाख और अभी टाइगर जिंदा है का है 331 करोड़ 80 लाख। तो दोस्त हमें जहां लगता है कि ये फिल्म आराम से पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगी और सिर्फ 9 करोड़ और चाहिए टाइगर को पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सातार आलम ने पूछा था कि सुल्तान और बजरंगी भाईजान कब रिलीज होगी। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ये दोनों फिल्म चाइना में 2018 में रिलीज होंगी। बजरंगी भाईजान मार्च में रिलीज हो रही है और हालांकि सुल्तान का अभी नहीं पता चला लेकिन बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। मर्सद बट्टो ने पूछा था कि धूम 4 में सलमान खान है। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पे डेली फेक वीडियोस डलते हैं कि सलमान खान धूम 4 और बस एक फोटो लगा देते हैं फ्रंट पे और लोग उसे देखते हैं और उस वीडियोस में सलमान खान की मिक्स्ड मूवीज की क्लिप्स होती हैं जो कि एडिटेड होती हैं। तो ये सवाल उठना तो बनता ही है। दोस्त ये तो अभी नहीं पता लेकिन हम आपको बता दें कि ट्वीट पे सलमान खान के फैंस ने टाइगर की बधाई देते हुए अली अब्बास जफर को सजेस्ट किया कि सलमान खान को धूम 4 लेके बनाया जाए, हम उनको धूम 4 में देखना चाहते हैं। तो अली ने रिप्लाई किया कि मैं धूम के मेकर्स तक आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि धूम 4 सलमान खान को लेके बना। लेकिन दोस्त अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन हाँ इतना पता है कि फिल्म में आमिर खान और ऋतिक रोशन नहीं है। सचिन खुजरिया वो कहते हैं कि सुल्तान का डायलॉग भी बता देना प्लीज और बजरंगी भाईजान का भी और दंगल का भी। तो दोस्त दंगल का तो ऊपर मिल ही गया होगा आपको। रही फिल्म सुल्तान और बजरंगी भाईजान का तो मैं सुल्तान का वो एपिक सीन बताना चाहूंगा जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था और जहां लोग बहुत ही इमोशनल हुए थे। सलमान खान दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए पर रणदीप हुड्डा उनका मजाक उड़ाते हैं और बहुत ही भला बुरा बोलते हैं और सलमान खान रिप्लाई करते हैं मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में अलाइव एंड किक, ठीक है। बहुत खूब। सोनू हेला का कमेंट आया था क्या पार्ट 3 आएगा। तो दोस्त india.com की रिपोर्ट्स की माने तो हाँ टाइगर जिंदा है फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है और उस रिपोर्ट की माने तो तीसरे पार्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स है उसका पूरा इस्तेमाल करें और सवाल पूछें। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं अपने आने वाली वीडियोस में रिप्लाई करने की। बॉलीवुड का भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की दहाड़ बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कायम है। टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी और तब से अभी तक कलेक्शन के मामले में ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टाइगर जिंदा है कि कमाई का सिलसिला अभी तक जारी है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने अपने 43वें दिन में भी 15 लाख का कलेक्शन किया है और टाइगर जिंदा है का अभी तक का टोटल कलेक्शन 338.34 करोड़ हो चुका है। IMDB के अनुसार इस फिल्म से ऊपर आमिर खान की पीके है जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि अब टाइगर के लिए पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है पर कमाई अभी भी जारी है तो शायद सलमान खान की टाइगर जिंदा है आमिर खान की पीके के कलेक्शन के और करीब जा सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। देखा जाए तो 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की है जैसे बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। जबकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो इनमें आमिर खान की दो फिल्म्स हैं जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अभी तक कोई छू भी नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पर वीक कलेक्शन की। टाइगर जिंदा है ने अपने पहले वीक में 206.4 करोड़ की कमाई की थी और अपने दूसरे वीक में 85.51 करोड़ की और अपने तीसरे वीक में 27
23.31 करोड़ की कमाई की और चौथे वीक में 10.79 करोड़ की कमाई की और अपने पांचवें वीक में 5.81 करोड़ की और छठे वीक में 2.63 करोड़ की। तो इसका अभी तक का टोटल कलेक्शन हुआ 338.19 करोड़। टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाए ये तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक भी टाइगर जिंदा है ने केवल 2.63 करोड़ का कलेक्शन किया। पर जैसा कि अभी भी कमाई जारी है तो शायद पीके के 340 करोड़ की बराबरी कर सकती है। अब बात करते हैं फिल्म पद्मावत के कलेक्शन के बारे में। पद्मावत लंबे समय से चल रहे विवादों को पार कर आखिरकार रिलीज हो ही गई और इस मूवी ने विवादों और विरोधों के बाद भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है। पद्मावत ने अपने प्री रिलीज यानी 24 जनवरी पर 5 करोड़ का कलेक्शन किया और अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि 25 जनवरी के दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के सेकेंड डे यानी 26 जनवरी की छुट्टी की वजह से फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखा जाए तो फिल्म के मॉर्निंग के शोज की ऑक्यूपेंसी थी 90% और रात के शोज की थी 100% ऑक्यूपेंसी। सेकेंड डे सारे शोज हाउसफुल थे। फिल्म ने सेकेंड डे पर भी 28 करोड़ का कलेक्शन किया था। पद्मावत ने अपने तीसरे दिन यानी 27 जनवरी को 24 करोड़ का बिजनेस किया, 28 जनवरी को 32 करोड़ का और अपने पांचवे दिन यानी 29 जनवरी को 15 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं फिल्म के छठे दिन यानी 30 जनवरी को ये अनुमान लगाया गया था कि वो 12 से 15 करोड़ तक की कमाई करेगी और फिल्म ने अपने सातवें दिन यानी 31 जनवरी को कुल 12 करोड़ का बिजनेस किया। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के अनुसार फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 167.50 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे हफ्ते में टोटल 46 करोड़ का कलेक्शन किया। तो अभी तक पद्मावती का टोटल कलेक्शन है 212.50 करोड़। टाइगर जिंदा है ने अपने फर्स्ट एंड सेकंड वीक में टोटल 286.46 करोड़ का कलेक्शन किया था और पद्मावत ने अभी तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड वीक के कलेक्शन को मिलाकर 212.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो पद्मावत टाइगर जिंदा है तो पीछे रह गई। अभी पद्मावत का कलेक्शन जारी है तो देखते हैं क्या आगे पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन को बीट कर पाती है या उसके आसपास भी आ पाती है या नहीं। तो ये था दोस्तों टाइगर जिंदा है और पद्मावत का अभी तक का कलेक्शन। अभी तक कलेक्शन के मामले में पद्मावत टाइगर जिंदा है से पीछे चल रही है, पर अब आगे आप सबको क्या लगता है, क्या पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन तक पहुंच पाएगी या उसके कलेक्शन को बीट कर पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल हमारी वीडियो पे काफी कमेंट्स आए कि टाइगर जिंदा है 2500 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, ये न्यूज फेक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फिल्म 2500 करोड़ कैसे पहुंचेगी और ये हम प्रूव करेंगे बाय सिंपली कंपेयरिंग कि छठे दिन तक के कलेक्शन किस फिल्म का क्या रहा और कैसे रहा। और जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी, तो आज मैं बात करूंगा छठे दिन के कलेक्शन की। और उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। टाइगर जिंदा है आजकल जहां भी सुनो सिर्फ नाम है टाइगर जिंदा है का, और फिल्म में जो खास बात है या जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सलमान खान का उस फिल्म में पिता होना। इस फिल्म से पहले सलमान ने किसी भी फिल्म में पिता का रोल नहीं किया है। इस फिल्म में सलमान एक पिता के रोल में नजर आए हैं। फिल्म वाकई काबिले तारीफ बनी है। फिल्म जैसे दो देशों की टीम को एक साथ काम करते दिखाया है एक मिशन के लिए और उनका सक्सेस होकर लौटना लोगों को स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा। फिल्म टाइगर जिंदा है पाकिस्तान में बैन हो गई थी। पाकिस्तान के CBFC को लगा कि फिल्म में अनएथिकल कंटेंट है जो कि पाकिस्तान के पब्लिक को पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिल्म के रिव्यू के बाद जब लोगों को पता चला कि फिल्म शांति का मैसेज दे रही है और फिल्म में ऐसा कोई भी दृश्य नहीं है जो उनके सेंटीमेंट को हर्ट करे, तो पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ने पाकिस्तान के CBFC को ब्लेम किया कि बोर्ड ने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है और जिसकी वजह से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बात करते हैं फिल्म टाइगर जिंदा के छठे दिन के प्रेडिक्शन के बारे में। टाइगर जिंदा के छठे दिन का प्रेडिक्शन है लगभग 36 करोड़ रुपए और इसके साथ ही भाईजान की मूवी को देखा जाए तो ये फिल्म 250 करोड़ के क्लब को छूने में थोड़ा सा पीछे रह गई। फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन को मिलाकर टोटल होता है 240 करोड़। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन था इंडिया में 26 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 50 करोड़। इस फिल्म का टोटल हुआ 220 करोड़। दंगल, ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने चाइना में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है और उसी बिजनेस की वजह से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 2500 करोड़ क्लब के अंदर आ गई। इंडिया में दंगल फिल्म का कलेक्शन था छठे दिन का 21 करोड़ रुपए और पहले दिन से लेके अब तक का इस फिल्म का टोटल हुआ 176 करोड़ रुपए। फिल्म गोलमाल अगेन, इस फिल्म से उतनी उम्मीद नहीं थी। इस फिल्म को कह सकते हैं कि ये फिल्म छुपा रुस्तम निकली बिजनेस करने में, मतलब कि बिजनेस तो किया लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये फिल्म इतने का बिजनेस कर जाएगी। और इस फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन था 13 करोड़ रुपए और इस फिल्म का छठे दिन का टोटल हुआ 130 करोड़ रुपए।
तो ये तो था फिल्मों के छठे दिन का कलेक्शन। तो जैसा मैंने ऊपर कहा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है हमारे लिए और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज हमारे भाईजान का यानी कि सलमान खान का जन्मदिन है और आज सलमान खान 52 साल के हो गए हैं। और कल रात ही सलमान खान के चाहने वाले उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आगे भीड़ लगाए खड़े थे सलमान खान को विश करने के लिए। ये भीड़ देख के कहा जा सकता है कि सलमान खान का स्टार्टअप और डूडिज्म लोगों को बहुत पसंद आता है। सलमान खान सबके चहेते हैं। तो हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे सलमान खान, आप हजारों साल जिए और ऐसे ही काम करते रहे हमें एंटरटेन करने के लिए। रेस 3 की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अनिल कपूर का कल जन्मदिन था और वो हो गए हैं 61 साल के और सलमान खान आज हो गए 52 साल के। जैसा कि सब जानते हैं साल 2017 बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल ऐसी ऐसी फिल्में आई और फ्लॉप हो गई जिनसे लोगों को अच्छी खासी कमाई करने की उम्मीद थी। हालांकि इस साल के आखिर में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने राहत दी, जिस कारण अभी भी फिल्म उद्योग में खुशी का माहौल बना हुआ है। टाइगर जिंदा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा क्रॉस करेगी। पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म में दो देशों को एक साथ मिलाने का काम किया गया है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ही सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने सभी कमाऊ फिल्मों को धूल चटा दी है। फुकरे रिटर्न 76 करोड़, तुम्हारी सुल्लू 36 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार 63 करोड़, जुड़वा 2 138 करोड़, शुभ मंगल सावधान 43 करोड़, बादशाह 78 करोड़, बरेली की बर्फी 34 करोड़, टॉयलेट एक प्रेम कथा 134 करोड़, जब हैरी मेट सेजल 64 करोड़, जग्गा जासूस 54 करोड़, ट्यूबलाइट 119 करोड़, हिंदी मीडियम 69 करोड़, जॉली एलएलबी 2 117 करोड़, रहीस 137 करोड़, काबिल 103 करोड़। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन की लाइफ टाइम कलेक्शन को भी 7 दिनों में क्रॉस कर गई है। इस फिल्म ने 205 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। टाइगर जिंदा है फिल्म इसलिए सुपरहिट साबित हो रही है क्योंकि ये फिल्म रोमांस, लव और एक्शन से भरपूर है और साथ ही साथ ये फिल्म दो देशों को एक साथ मिलाने का काम कर रही है, क्योंकि टाइगर जिंदा है फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ अभी भी सिनेमा घरों की तरफ रुख कर रही है। ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है, इसलिए फिल्म समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म 3000 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। बाहुबली द कंक्लूजन को कैसे पीछे किया टाइगर जिंदा है ने, दंगल भी पीछे रह गई टाइगर जिंदा है के आगे, और फिल्म का कितना रहा 13वें और 14वें दिन का कलेक्शन, फिल्म टाइगर जिंदा है ने कैसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और किस तरह ये फिल्म 6500 करोड़ क्लब को क्रॉस कर जाएगी, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो फाइनली सलमान खान बन ही गए बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 और सबको दिखा दिया कि टाइगर आखिर टाइगर ही होता है और अपनी हर दहाड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही ये फिल्म दहाड़ मारती रही तो जरूर ये फिल्म एक दिन बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। ये सभी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल लगातार 8 वीक तक चली थी और अगर टाइगर जिंदा है भी ऐसी चली तो जरूर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 13वें और 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन से फिल्म है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे है। तो आजकल जो दहाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पे उसकी बात करते हैं, मतलब कि टाइगर जिंदा है की। तो टाइगर जिंदा है का 13वें दिन का कलेक्शन है 5,84,00,000 और 14वें दिन का कलेक्शन है 5,09,00,000। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 293,92,00,000। उसके बाद नाम आता है उस फिल्म का जिसे चाइना में सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले और चाइना में कलेक्शन
करने के बाद ये फिल्म नंबर वन बन गई इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में, और साथ ही ये इंडिया की पहली फिल्म बन गई जो 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। ये वही फिल्म है जिसने इंडियन फिल्मों को इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे लाके खड़ा कर दिया और एक नई पहचान दी कि बॉलीवुड फिल्में भी हॉलीवुड फिल्मों जितना बिजनेस कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म दंगल के बारे में। इस फिल्म का 13वें दिन का कलेक्शन था 9 करोड़ 23 लाख और 14वें दिन का कलेक्शन था 9 करोड़ 12 लाख और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 313 करोड़। रोहित शेट्टी फिल्म गोलमाल अगेन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अर्शद वारसी, प्रकाश राज और नील नितिन मुकेश। इस फिल्म में ऐसा लगता है कि आधा बॉलीवुड आ गया है और इस फिल्म ने 13वें दिन कलेक्शन किया था 3 करोड़ 78 लाख का और 14वें दिन 3 करोड़ 38 लाख का और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 170 करोड़ 10 लाख। बाहुबली द कंक्लूजन ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी थी और इस फिल्म के हर एक सीन पर बहुत ही खास काम किया गया था। यहाँ तक इस फिल्म के लिए एक नई लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। इस फिल्म का 13वें दिन कलेक्शन था 17 करोड़ 25 लाख और 14वें दिन 12 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 384 करोड़। इस रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है, दंगल नंबर 2 पे और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि कैसे टाइगर जिंदा है ने दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आइए जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। शुरुआत के 12 दिनों में फिल्म ने 280 करोड़ का बिजनेस किया और जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमाई के मामले में सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने हिंदी सिनेमा की दो सबसे बड़ी फिल्मों को बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ हम बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल की ओवरऑल कमाई की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि रिलीज के दूसरे सोमवार के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे सोमवार टाइगर जिंदा ने करीब 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ सलमान की फिल्म ने दोनों फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया। बता दें दूसरे सोमवार बाहुबली के खाते में 16 करोड़ 53 लाख आए और दंगल के 12 करोड़ 97 लाख। 21 दिसंबर को रिलीज हुई टाइगर जिंदा ने शुरुआती 2 दिन में 50 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़ और 4 दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2012 में आई एक था टाइगर की सीक्वल है। एक था टाइगर का कुल बजट था 75 करोड़। वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर टाइगर जिंदा है का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है। रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही। सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच अभी भी बरकरार है। इसका अंदाजा आप फिल्म के कलेक्शन से लगा सकते हैं। पहले हफ्ते में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने के बाद सलमान कैटरीना की ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। हॉलीडे पे ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद वीकेंड पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को 5 करोड़ 84 लाख का बिजनेस किया और बृहस्पतिवार को 5 करोड़ 9 लाख का। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई होती है 293 करोड़ 92 लाख। जिस रफ्तार से टाइगर जिंदा है कमाई कर रही है उससे साफ है कि फिल्म जल्द ही सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि सुल्तान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ 45 लाख का बिजनेस किया था और टाइगर जिंदा है ने पहले हफ्ते 206 करोड़ का कलेक्शन किया और वही फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 293 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये फिल्म फिजी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। इन सारे आंकड़ों को देखा जाए और हिसाब लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि ये फिल्म 6,500 करोड़ क्लब को बहुत जल्द ही क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दें और फिल्म से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। टाइगर जिंदा है ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, वो कौन सी फिल्म है जिसका शिकार किया टाइगर ने, ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है, फिल्म का कितना रहा 15 और 16वें दिन का कलेक्शन, कैसे फिल्म टाइगर जिंदा है करेगी 7000 करोड़ का बिजनेस और क्या शाहरुख खान की फिल्म जीरो आने वाले समय में सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है को बॉक्स ऑफिस में टक्कर दे सकती है या नहीं, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। बॉक्स ऑफिस पर 16 दिन का सफर कर चुकी फिल्म टाइगर जिंदा है। क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है का बोलबाला है आजकल बॉक्स ऑफिस पे और फिल्म धुआंधार बिजनेस कर रही है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म ने 10 दिन में ही 400 करोड़ की आंकड़े को पार कर चुकी है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में देखे तो फिल्म ने दूसरे दिन 50 करोड़ और तीसरे दिन 100 करोड़ का बिजनेस किया था और इन बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देख के कह सकते हैं कि सलमान खान साल 2017 के लास्ट में आए लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो टाइगर का टाइटल है या जो खिताब है
है वो सिर्फ सलमान के ऊपर ही शूट करता है। तो बात करते हैं 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों ने 15 और 16वें दिन कितने का बिजनेस किया और जानते हैं क्या रहा रिपोर्ट टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे और कौन सी फिल्म है आगे और कौन सी फिल्म है सबसे पीछे, जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइगर जिंदा है से। वैसे तो सलमान खान उन एक्टरों की लिस्ट में शामिल है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देते हैं और अपनी इस फिल्म के साथ सलमान ने बहुत से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। पिछले 7 सालों से सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पे जलवा दिखाया है जो कि फिलहाल कुछ सालों के लिए रुकने वाला नहीं है। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट से थोड़ा ब्रेक जरूर लगा था पर टाइगर जिंदा है ने उस फिल्म का भी कसर पूरा कर दिया। फिल्म ताबड़तोड़ सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही है। 2017 का एंड और 2018 की धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है ये फिल्म और ये फिल्म हर रोज शिकार पे निकलती है। फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 3,72,00,000 का और 16वें दिन 5,60,00,000 का और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 300,89,00,000। और इसी के साथ फिल्म टाइगर जिंदा है ने सुल्तान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि टाइगर जिंदा है ने सुल्तान का शिकार कर दिया है और ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 5वीं बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। पहले फिल्म है मतलब कि जो टॉप पे है वो है दंगल, उसके बाद पीके, फिर है बजरंगी भाईजान, उसके बाद सुल्तान। लेकिन 300 करोड़ क्लब में एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है और वो फिल्म है टाइगर जिंदा है। और अगर ये फिल्म ऐसी ही चलती रही तो एक दिन उम्मीद है कि ये फिल्म दंगल और पीके का भी इंडियन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब बात करते हैं बाहुबली द कंक्लूजन की। फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 10,05,00,000 का और 16वें दिन 14,75,00,000 का। तो इस फिल्म का 16 दिन तक का टोटल होता है 400,80,00,000। गोलमाल अगेन, इस फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 2,04,00,000 का और 16वें दिन 3,70,00,000 का। इस फिल्म का 16 दिन तक का टोटल होता है 175,74,00,000। दंगल, इस फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 6,66,00,000 और 16वें दिन 10,80,00,000 का। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है, दंगल नंबर 2 पे और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे। अब बात करते हैं कि कैसे ये फिल्म 7000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। तो टाइगर जिंदा है जब रिलीज हुई थी तो उसके पास 4600 स्क्रीन्स थे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड को मिला के 5700 और फिल्म ने अपने दूसरे वीक में 300 करोड़ का बिजनेस करके ये दिखा दिया कि फिल्म को 7000 करोड़ क्लब को छूने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का दर्शकों के बीच उत्साह बनाए रखने के लिए और फिल्म बाकी के कंट्री में रिलीज हो जाए इसके लिए YRF की टीम बहुत से पैतरे आजमा रही है और उन पैतरों में से एक पैतरा है कि YRF की टीम सीन्स मेकिंग, सॉन्ग्स मेकिंग और फिल्म के खास पलों को YouTube, Twitter और Facebook पर अपलोड कर रहे हैं। जहां एक तरफ YRF की टीम अपने दर्शकों के लिए फिल्म मेकिंग की वीडियोस अपडेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए अपने फिल्म जीरो का टीजर लॉन्च किया है। साल की शुरुआत शाहरुख खान की टीजर से शुरू हुआ था और पिछले साल का एंड सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है से। शाहरुख खान की फिल्म का नाम है जीरो। ये शब्द सुनने के बाद दिमाग में अनगिनत ख्याल आते हैं, अनगिनत सवाल आते हैं कि फिल्म का नाम जीरो क्यों रखा गया, शाहरुख खान के फिल्म में बौना होना और इस जीरो का क्या ताल्लुक है, ये तो फिल्म के ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। तो बात करते हैं शाहरुख खान के फिल्म के टीजर की। तो इसे 7 दिनों में 13 मिलियन व्यूज मिले हैं और इस टीजर ने सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि टाइगर फिल्म की टीजर के नाम पे सिर्फ एक म्यूजिक लॉन्च हुआ था और उस टीजर को 2 महीने हो गए हैं और उसको व्यूज मिले हैं सिर्फ 8,00,000। जहां जीरो के टीजर को 26,500 कमेंट मिले हैं वहीं टाइगर जिंदा है को सिर्फ 950 कमेंट मिले हैं। फिल्म टाइगर में 2 स्टार हैं, सलमान खान और कैटरीना कैफ, तो वहीं जीरो में 3 स्टार हैं, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। इन तिगड़ी की पहले भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है जब तक है जान। फिल्म का बजट था 78 करोड़ और इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 211 करोड़। मतलब कि इनकी जोड़ी ऑलरेडी पहले से ही सुपर हिट है और ये जोड़ी फिर से 6 साल बाद आ रही है। फिल्म जीरो साल के एंड में आ रही है और फिल्म को माने के लिए काफी समय मिलेगा लेकिन बीच में एक अड़चन आएगी रणवीर सिंह के नाम की, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म के बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या उम्मीद करते हैं फिल्म जीरो से कि फिल्म कैसा बिजनेस करेगी और क्या टाइगर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। टाइगर जिंदा है ने कितने का किया बिजनेस 27 और 28वें दिन। फिल्म टाइगर कब रिलीज होगी चाइना में और पाकिस्तान में कब रिलीज होगी टाइगर, और बहुत से व्यूवर्स ने पूछा था ये फिल्म चाइना में कब रिलीज होगी या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे और वो ये लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, रोहित रसैली, विशाल शाह, रवि गौतम और संजू थापा, और भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं इस टॉपिक पे या इन सभी सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो के एंड में। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि मैं पीके और टाइगर के कलेक्शन को कंपेयर करूं और पूछा था कि क्या फिल्म टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में।
में। साथ ही बात करेंगे टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में और वो कौन सी फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की जिसने बहुत ही कम समय में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और साथ ही टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ फेमस और अटपटे डायलॉग्स या सीन्स की बात करेंगे जो ऑडियंस और व्यूवर्स को सबसे ज्यादा पसंद आए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स दंगल, बाहुबली द कंक्लूजन, गोलमाल अगेन, और जैसा कि आप सभी लोगों ने पीके का नाम लिया था तो इस रिपोर्ट में पीके को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो टाइगर जिंदा है ने कलेक्शन किया था 27वें दिन 88 लाख का और 28वें दिन 77 लाख, और फिल्म का अब तक का टोटल होता है 330 करोड़ 5 लाख। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म ने 27वें दिन बिजनेस किया था 2 करोड़ 70 लाख का और 28वें दिन 2 करोड़ 70 लाख का, तो इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 486 करोड़ 40 लाख। दंगल, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 27वें दिन 1 करोड़ 16 लाख का और 28वें दिन 1 करोड़ 4 लाख का, और इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 375 करोड़ 1 लाख। इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 383 करोड़ 10 लाख। गोलमाल अगेन, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 27वें दिन 39 लाख का और 28वें दिन 40 लाख का, टोटल होता है 28 दिन का 202 करोड़ 80 लाख का। बात करते हैं इस फिल्म के मजेदार डायलॉग्स के बारे में। तो फिल्म के लास्ट में जहां सबको पता चलता है कि खुशी यानी कि परिणीति चोपड़ा भूत है, और जब एंट्री होती है बबली भाई की, और लक्ष्मण यानी कि श्रेयस तलपड़े बबली भाई को कहते हैं कि बबली सर प्लीज यहां से कल्टी हो जाओ। कल्टी क्यों, मैं आज टी पीऊंगा। तो ऐसे रिप्लाई करते हैं हमारे बबली भाई। मजेदार है ना। सभी टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे दंगल और नंबर 3 पे टाइगर जिंदा है। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में पीके को टाइगर से कंपेयर करने को कहा था, तो आमिर खान की पीके, इस फिल्म ने 27वें दिन बिजनेस किया था 1 करोड़ 10 लाख का और 28वें दिन 92 लाख का, और इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 333 करोड़ 81 लाख, और इस फिल्म का लाइफ टाइम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 340 करोड़ 80 लाख। और दूसरी तरफ टाइगर का टोटल कलेक्शन है सिर्फ इंडिया में 330 करोड़ 5 लाख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म आराम से पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है पीवीआर के स्क्रीन्स पे लगी है और अभी वीकेंड भी है, तो इस फिल्म का कलेक्शन वीकेंड में रफ्तार पकड़ेगा और एट द एंड शायद पीके को पीछे या यूं कह कि पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और बात करें इस फिल्म के मजेदार सीन के बारे में, तो आमिर खान और अनुष्का दोनों जेल में बंद होते हैं और आमिर खान अपनी भाषा में समझा रहे होते हैं, यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है, एक ही शब्द के चाचा मतलब, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है वेरी गुड, आप बड़ी करके बोलो अच्छा है, मतलब शाक में है, तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा शाक, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लाउड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और इन सभी बातों पे अनुष्का का रिएक्शन, मैं किस पागल के यहाँ फंस गई। वो इरिटेट होती है, सर को अपने हाथों पर पटकती है। तो ये वो सीन था जो काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग था, जो लोगों को पसंद आया था। कमेंट में लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि क्या फिल्म चाइना में रिलीज होगी या नहीं। तो उससे पहले चाइना फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि चाइना कब, कैसे और किस बात को ध्यान रखते हुए बाहर की फिल्म रिलीज करती है। तो सबसे पहले बता दूं कि चाइना में बाहर की फिल्म एक साल में सिर्फ 34 रिलीज हो सकती है, चाहे वो हॉलीवुड फिल्म हो या तालिबान या फिर पाकिस्तान मींस की लॉलीवुड या फिर बॉलीवुड हो, सिर्फ 34 फिल्म ही रिलीज हो सकती हैं। और इन सभी इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड कर रखा है कि किस इंडस्ट्री से कितनी फिल्म आएंगी और रिलीज होंगी। तो इन 34 फिल्म में से इंडिया की सिर्फ 4 फिल्म रिलीज हो सकती हैं, वो भी एक साल में। तो जो 2017 में चाइना में बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, दंगल, बाहुबली द कंक्लूजन, ट्यूबलाइट और सुल्तान, देखा जाए तो सलमान खान की एक साल में 2 फिल्म्स रिलीज हुई हैं। मतलब कि सलमान खान के चाहने वाले चाइना में भी भारी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ तक कि सलमान खान की फिल्म चाइना के लोगों को इतनी पसंद आई कि शंघाई फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान की फिल्म सुल्तान विनर रही थी, जबकि सामने थे सलमान खान के जैकी चैन, फिर भी शंघाई फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्शन के लिए अवार्ड मिला था। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि फिल्म चाइना और पाकिस्तान में रिलीज होगी या नहीं, तो चाइना में फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि इस साल का 2017 का कोटा फुल हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। 2018 में इंडिया की पहली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार चाइना में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 19 जनवरी को, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बता दूं कि चाइना बिग बजट की मूवी सबसे ज्यादा रिलीज करता है और इसीलिए बॉलीवुड के मुकाबले हॉलीवुड की फिल्म ज्यादा रिलीज होती हैं चाइना में। और चाइना बोर्ड ये भी देखता है कि फिल्म में ज्यादा फाइट सीन ना हो, इंटीमेट सीन ना हो, स्पेशल इफेक्ट्स का यूज ना किया गया हो और भी बहुत कुछ देखा जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान की,
तो ये फिल्म टाइगर जिंदा है पाकिस्तान में बैन हो चुकी है, मतलब कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन जिस वजह से बैन किया गया था या जिस सीन को लेके बैन किया गया था, वो सीन या वो वजह फिल्म में कहीं नहीं दिखी। पाकिस्तान बोर्ड को लगता था कि फिल्म में पाकिस्तान की इमेज को गिराया गया है और इस फिल्म की वजह से वहां की अमन और शांति खराब हो सकती है। पर फिल्म में जब ऐसा कोई सीन नहीं मिला या फिर फिल्म देखने के बाद लोगों को लगा कि सलमान खान या वो सभी लोग जो फिल्म या आर्ट फील्ड से जुड़े हैं, वो सभी लोग दोनों देशों को एक साथ देखना चाहते हैं। और बता दो कि इस फिल्म पे अभी भी बातचीत चल रही है कि फिल्म रिलीज करनी है या नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और मैंने कहा था कि वो कौन सी फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की जिसने कुछ ही दिनों में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया, तो उस फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है। जी हाँ, इस फिल्म ने मात्र 24 दिनों में ही 540 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दें, और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें, उस कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ फिल्म्स के सीन्स या फेमस और अटपटे डायलॉग्स के बारे में बात करी, तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में भी बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ मजेदार सीन्स या उनके अटपटे और फेमस डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। और आपको इन फिल्मों के कौन से सीन्स पसंद आए या अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग मौजूद हैं और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाल दी ये समझने के लिए कि कैसे वो फिल्म बने जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो, और कितने लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि कितना एक्शन डालें और कितना रोमांस डालें या किस स्टार के साथ फिल्म बनाएं कि कामयाबी की बुलंदी को छुए। लगता है कि वो फार्मूला मिल गया है, क्योंकि यह टाइगर जिंदा है की बात करें तो देखते हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ और अली जफर, ये तीनों इस मुकाम पर पहुंच चुके। परंतु सलमान खान का मानना है कि 100 करोड़ के क्लब को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है और हिट फिल्म का कोई फार्मूला नहीं होता। कब आएगा टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का टीजर? कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सलमान खान, अली अब्बास जफर की हिट जोड़ी की फेमस फ्रेंचाइजी टाइगर की सेकंड फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2012 में आई एक था टाइगर का सीक्वल थी, और फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की हिट जोड़ी ने साथ काम किया था। फिल्म को 210 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था और कमाई की थी 565.1 करोड़ रुपीस की। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर के सुपरहिट जोड़ी ने और लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल ने। फिल्म का गाना स्वैग से स्वागत, जिसे विशाल डडलानी और नेहा भासिन ने गाया था, यूट्यूब पर बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा गाना बना और बॉलीवुड के सभी गानों में सबसे तेजी से 100 मिलियन व्यूज अपनी झोली में भरे। फिल्म का गाना दिल दिया गल्ला, जिसको गाया था आतिफ असलम ने, इस गाने को भी काफी पसंद किया गया और ये गाना अब तक रोमांटिक सॉन्ग्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। फिल्म की पूरी एल्बम को 1.5 बिलियन व्यूज मिले हैं और यूट्यूब पर इसी के साथ ये बन चुकी है सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एल्बम। टाइगर जिंदा है को एक्शन, कोरियोग्राफी और साउंड डिजाइन के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। भारत की शूटिंग के दौरान ही अली अब्बास जफर ने इस सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था। अली अब्बास जफर और सलमान खान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने इस साल ईद पर रिलीज हुई अपनी फिल्म भारत से नए झंडे गाड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इसी के बाद ही अली अब्बास जफर लग चुके हैं टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट पर काम करने। हालांकि अभी सलमान खान अपनी बाकी फिल्मों में व्यस्त हैं। फिलहाल वो शूटिंग कर रहे हैं अपने भाई अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की, जो कि रिलीज होगी दिसंबर में। उसके बाद वो काम पर लगने वाले हैं भाई सुहेल खान की फिल्म शेर खान की शूटिंग में और किक 2 की शूटिंग में, जिसके बाद वो सीधा शुरू करने वाले हैं टाइगर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का काम। फिल्म का पहला पोस्टर 2020 सितंबर में रिलीज किया जाएगा और टीजर आएगा दिसंबर 2020 में। इस फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं 2021 एंड में है। बाकी फिल्म से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहे।